اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. जमात खानों में क्या करते हो? ऐसा क्या होता है कि तुम जमात खाने के दरवाजे बंद रखते हो? अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको छुपाया जाता है? क्यों तुम लोग अपनी इबादतों को आम मुसलमानों के साथ छुपाते हो? क्या आवाजें आती हैं? क्या तुम औरतें वहां पर बाल बिछाती हो? क्या तुम वहां पर नाच गाना करती हो? ये तमाम सवालात हम जब आगा खानी थे तो कम से कम मैंने तो फेस किए। पाकिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्री में रहने के वक्त मैं ये सवाल अक्सर अपनी दोस्तों के मुंह से सुना करती थी और जानने की कोशिश करती थी कि इनके जहन में क्या चलता है, क्यों ये मुझसे ऐसे सवाल करती हैं, ऐसी क्या खराबी है कि अगर मैं बंद दरवाजे के पीछे अपने इबादत करती हूँ जो कि ऐन इस्लाम के तरीके पर है। जैसा मुझे बताया गया, मुझसे नहीं कहा गया था कि तुम इस्लामी तरीके पे इबादत नहीं करती, बल्कि हमसे तो ये कहा जाता था कि तुम ही सही तरीके से इबादत करती हो। क्यों क्यों दरवाजे बंद थे? क्यों हमें अपने अंदर की बातों को बाहर नहीं लाने का हुक्म था? क्यों कहा जाता था कि अगर कोई पूछे तो इस तरह का जवाब दे दो और उस तरह का जवाब दे दो? आज अंदाजा हुआ कि जब इस्लाम की रोशनी को पाया तो समझ आया कि क्यों छुपाने का हुक्म था। क्यों कहा जाता था कि अंदर की क्रियाओं को, अंदर की जिस तरह की इबादत और तरीके करते हो उसको क्यों बाहर नहीं लाना, आज समझ आता है। हम इस्लाम की राह पर कामजन हैं, सिराते मुस्तकीम पर चलने की बहुत कोशिश करते हैं, हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या कुछ करके आए? आज भी एक बॉर्न मुस्लिम के लिए, एक आम मेन स्ट्रीम मुसलमान के लिए मुअम्मा बना हुआ है। वो ये सोचते तो हैं कि ये ग्रो दर ग्रो ये चल पड़ता है अपने जमात खानों की तरफ और जैसे ही अंदर जाता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, वॉलंटियर्स बाहर खड़े हो जाते हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। आम मुसलमान आज भी सोचता है कि ना जाने ऐसी कौन सी हरकत करते हैं आगा खानी कि जिनकी वजह से हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं। सिख का गुरुद्वारा हो, हिंदुओं का मंदिर हो, क्रिश्चन की चर्च हो, सबके दरवाजे खुले होते हैं, जब चाहे कोई भी अंदर जाकर उनकी इबादत को देख सकता है, उसमें शामिल हो सकता है, पर मुसलमानों को ही जमात खाने में आने का हुक्म नहीं, उसी पर पाबंदी। आज हम सब जो कि रिवर्स हो चुके हैं, हम लाएंगे जमात खाने की अंदर की बात बाहर। आज होगा जिक्र उन तमाम चीजों का जो कि हम कभी आगा खानी हुआ करते थे और हमने वो चीजें की। सबसे पहले तो आपको जमात खाने का एक नजारा दिखाते हैं, शायद आप जो मेन स्ट्रीम मुसलमान हैं उन्होंने कभी भी जमात खाने अंदर कैसे होते हैं, क्या होता है नहीं देखा। आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। जमात खाना है ये गिलगित का, याली मदद, याली मदद, याली मदद, शुक्र। कहाँ कल तीन भाई खड़े थे, याली मदद, याली मदद, याली मदद, याली मदद। ये जमात खाना है हम। अंकल ये जगह का नाम सिनकोट, सोनी कोट का जमात खाना है। अच्छा ये बड़ा मेन जमात खाना ये है कि दूसरा भी एक अभी बंद है, अभी वो शूज कंपनी है, सामने पानी कंपनी है, वहाँ पे डेनी सेंटर चलता है। अच्छा। लेकिन अभी जमात खाना वहाँ शुरू नहीं हुआ। अच्छा।
आगे लेडीज शूज कंपनी है। ये लेडीज का एंट्रेंस है यहाँ पे और ये जेंट्स का एंट्रेंस है। अंदर एक हॉल है उसमें पंखे लगे हुए हैं, फिर एक दूसरा हॉल है जिसमें एसी लगा हुआ है। ये दो पोर्शन इसलिए रखा है सर्दियों में यहाँ ज्यादा सर्दी होती है। हाँ हाँ, तो अंदर जमाखाने में हम दुआ पढ़ते हैं। अच्छा, तो किसी चांद रात के दिन या जुमे के दिन बहुत ज्यादा रश होती है तो फिर बाहर कल सुबह के टाइम बहुत ज्यादा सर्दी होती है। हाँ हाँ, तो अंदर वाली जमात खाने। हाँ, डबल पोर्शन। ये जमात खाने के एक्स कामड़िया साहब का आपने राइट गुलाम सरवर एक्स कामड़िया साहब है जिस होटल में हम रुके थे आपके बेटे थे राइट जी, जी, हमीद करीम। हाँ, हाँ, हमीद करीम जिस होटल में रुके थे उनके फादर हैं। हेवन लॉज नाम है। और कल हम लोग आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा जमात खाना है। काफी दिनों बाद जमात खाना अटेंड किया, बड़ा मजा आया यहाँ पे। और अंकल की मेहरबानी, आज हमें यहाँ पे अंदर आके दिखाया जमात खाना। ये कोई 4.5 कनाल का एरिया है। अच्छा, 4.5 कनाल का एरिया। और ये यहाँ पे अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो खड़े रहते हैं, ये अली मौला अली सबको गेट पे करते हैं। रेस्टरूम्स हैं उस तरफ, सारे अपने लोग। कल जब हम जमात खाने से निकले, हाँ कल हम लोग जब निकले थे ना, सब हमारे साथ ही वॉक कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा जमात खाना। ये लेडीज साइड है, लेडीज की शूज कंपनी है। यहाँ पर ये ग्रास है, बैक एरिया है, एयर कंडीशन लगे हुए हैं। गिलगित का एरिया है मगर काफ़ी दिन में गर्मी है यहाँ पे, रात में ठंडक हो जाती है। लेडीज पानी कंपनी यहाँ पर है। जमात खानों में एंट्री की इजाजत नहीं, फिर भी आप लोगों को दिखाया गया। तमाम सामईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं और मेरी आगा खान निजम की टीम जो कि आज सब जमा हुए हैं आप तक हकीकत और आप तक तमाम चीजें पहुंचाने के लिए। हमारे साथ रहीम बलवानी साहब मौजूद हैं जो कि खुद जमात खाने की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं और ए टू लेके जी तक तमाम मालूमात रखते हैं जमात खाने की एक्टिविटीज के बारे में। इन्हीं से पूछते हैं कि एक मुसलमान जब वो ये सोचता है कि एक आगा खानी जब जमात खाने के अंदर इंटर होता है तो वो क्या कुछ करता है। इन्हीं से पूछते हैं रहीम बलवानी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जमात खाने में दाखिल होने से पहले जो भी फर्द, चाहे वो आगा खानी हो चाहे वो आगा खानी ना हो, वो जब दाखिल होने के लिए जाता है तो सबसे पहले तो उसको सामना करना पड़ता है चंद वॉलेंटियर्स का। Okay. जो आगा खानी होते हैं, जमात खाने के बाहर खड़े होते हैं, एक तरह से वो सिक्योरिटी का काम को देख रहे होते हैं। सही। ठीक है, तो वो जो है मतलब जांच पड़ताल कर रहे होते हैं एक तरह से, हर बंदे को नहीं रोकते। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि ये अंदर जाने के बाद 2-3 अफराद खड़े हैं, तो ये देखते हैं कि आया को जो बंदा अंदर जा रहा है वो आगा खानी है भी या नहीं है। अगर उसको डाउट होता है कि आगा खानी है या नहीं, मतलब नहीं है अगर, तो उसको रोक दिया जाता है। ओके, ठीक है। और ज्यादातर जितने भी अफराद अंदर जाने वाले होते हैं वो रोजमर्रा की बुनियाद पे सबको बाय फेस वो लोग जानते हैं। तो कोई भी नया चेहरा होता है, अगर वो आगा खानी भी होता है, किसी और जगह से आया हुआ होता है, तो उसको भी रोक दिया जाता है जब तक कि उसकी शनाख्त नहीं हो जाती, उसको दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाती। दाखिल होने के बाद सबसे पहले तो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो भी जूते चप्पल जो भी पहनावा होता है वो एक शू कंपनी होती है, वहां पर जाके उतारा जाता है।
और उसके एवज जो है उनको एक टोकन दिया जाता है कि ये आपका टोकन है, वापस जब आओ ये टोकन देके अपने चप्पल जूते जो भी हैं वो ले जाओ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसी मेरा के एक सवाल है रहीम साहब, यहीं पे दरअसल में, क्योंकि आपने जूतों का जिक्र किया, तो मुरीदों से जो है वो जूते उतरवाए जाते हैं कि आप उतार के साइड पे रखें, लेकिन हमने दीदार के टाइम पर तो ये देखा है कि आगा खान खुद जूते पहनकर अंदर जमात खाने में दाखिल हो रहे होते हैं। तो कभी किसी, आप जब आगा खानी थे तो आपको ये एतराज नहीं हुआ कि हमसे तो उतरवा दी जाते हैं और मौला जो है वो जूता पहन के जमात खाने में आ रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और बाकायदा ये काबिले गौर है, होना चाहिए सब तमाम जो है आगा खानी के लिए, कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमने भी जो है अपने, ख़ास तौर पे मैंने तो पूछा था अपने पेरेंट्स से कि एक दीदार हुआ था जिसमें आगा खान साहब जो है वो आए थे जमात खाने में किसी में, मुझे याद नहीं है कौन सा था वो, बस इतना जहन में था कि जमात खाने के अंदर वो आए थे। तो हम सब लोग जो है पूरी फैमिली और भी जो लोग आ रहे थे सब जूते नीचे उतार के जा रहे थे, ठीक है ना, जूते उतार के फिर अंदर जा रहे थे। जबकि जब आगा खान साहब आए थे तो उन्होंने जूते पहन रखे थे जमात खाने के अंदर, जहाँ पर बाकायदा इनकी नमाज अदा, जिस दुआ को ये लोग नमाज कहते हैं वो जहाँ अदा होती है वहाँ जूते पहने हुए थे। तब मैंने सवाल किया था कि मैंने कहा कि हमने तो उतार रखे हैं जूते, इन्होंने क्यों पहन रखे हैं? तो जवाब में ये मिला था कि ये घर भी इसी का है, ठीक है, ये घर भी इसी का मालिक है, मालिक भी यही है, खालिक भी यही है, दाता भी यही है, तो इसको किस बात की जो है रोक टोक, भी है। उसको ये क्यों जो जूते चाहे कर पहने? सकता है। ठीक, चलेंगे, तो हो गया, जवाब मिल गया जी। तो ये शूज उतरवाने के बाद फिर एक मुरीद क्या करता है, वो किस तरफ चल पड़ता है? अच्छा, होता यूं है कि शू उतारने के बाद फिर जो कुछ लोग जो ऑफिस से डायरेक्ट आ रहे होते हैं तो वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ जो वॉशरूम्स होते हैं यहाँ पर, मतलब स्टैंडिंग वॉशरूम्स होते हैं ना, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई वुदू का जो है कोई यहाँ प्रॉपर कॉन्सेप्ट किसी भी जमात खाने में आपको नहीं मिलेगा कि एक बाकायदा वुजू के लिए जगह बनाई हुई हो जहाँ बंदा वुजू करे फिर ऊपर जाए, नहीं, जो जिस हाल में है वो उस हाल में ही ऊपर जाता है, ठीक है ना। घर से भी कोई, मतलब इनके आगखानीज्म के अंदर वुजू का कॉन्सेप्ट एक तो है ही नहीं, ठीक है ना। दूसरा ये कि वॉशरूम से मतलब फ्री होने के बाद फिर ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद जैसे ही जहाँ इनकी ये दुआ वगैरह नमाज अदा होती है उस अहाते में जैसे ही दाखिल होते हैं, जी दाखिल होने के बाद जमीन पर उस दरवाजे की चौखट की जमीन पर हाथ लगाकर वो हाथ अपने मुंह पर फेरते हुए बुलंद आवाज में कहते हैं है जिंदा, ठीक है जिंदा का मतलब है यहाँ पर है जिंदा जो है वो उससे मुशाबत की जा रही है इनके इमाम को। अच्छा और जो जो ये अल्फाज सुनता है, जिस जिसकी कानों तक ये अल्फाज जाते हैं, वो शख्स चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो वो उसका जवाब देता है कायम पाया, अच्छा ठीक है। तो है जिंदा मतलब इनका इमाम जिंदा है, और कायम पाया मतलब उसको हमने कायम पाया है, मतलब वो मौजूद है हाजिर नाजिर, ठीक। आपने आपने जिक्र किया कि चौखट कौन सी, यानी कि वो जो प्रेयर हॉल होती है उसके अंदर एंटर होने से पहले वो जमीन को ऐसे, जैसे मंदिरों में आपने देखा होगा कि वो जमीन के छो करते हैं और फिर अपने चूमते हैं, तो इस तरह का कुछ रवैया होता है? जैसे हम तो कभी देखा नहीं कि मस्जिद में कोई इंसान एंटर हो, या खाना काबा के भी अगर वो जो मिंबर होता है या मेहराब जो होता है जहां से गुजरते हैं, तो को वहां पे भी कोई ऐसा कोई चूमता नहीं है इस तरह का तरीका? तो आप क्या कहना चाह रहे कि जिस तरह लोग मंदिरों में चौखट चूमते हैं, इस तरह का चौखट चूमा जाता है? बिल्कुल उसी तरह से जमीन पे हाथ रख के जैसे हिंदुओं के अंदर एक रस्म होती है, जैसे ही मंदिर में एंटर होते हैं कुछ लोग जमीन पे हाथ रखते हुए अंदर जाते हैं, तो ये वही कुछ कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, इस मजहब के अंदर तकरीबन 70% ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि तमाम हिंदुओं से रिलेटेड है, ठीक
ठीक है, वहीं से अडॉप्ट की गई हैं, मुसलमानों वाली एक्टिविटीज ना होने के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये कि वो अंदर जाने के बाद सबसे पहले नजर आती है क्या चीज, जहाँ पैसे चेंज करवाए जाते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं पैसे छुट्टे करवाने, तो वहां पर क्या होता है कि मतलब बैंक में चले गए या कहीं भी चले गए तो उधर पैसे हम छुट्टे करवाते हैं। अब छुट्टे करवाने के लिए उन्हीं अंदर ही हॉल जहाँ ये लोग अपनी नमाज अदा करते हैं, वहां पर जमीन पर एक टेबल होता है, उस टेबल पे एक या दो अफराद बैठे होते हैं जिनके पास चिल्लर भी होता है, जिनके पास 100 रुपए के खुले भी होते हैं और 1,000 का भी होता है, 5,000 का भी होता है, मतलब वो वहां पे जो भी चेंज लेने आएगा वो चेंज उसको मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई इतना बड़ा नोट ले आए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो वो चीज सहूलत नजर मिल आती, जाते, वो ऐसा ना हो कि आगे वाला ये बोल दे कि अब तो मेरे पास तो चेंज ही नहीं है इसलिए मैं घर जा रहा हूं, तो उसको वो सहूलत भी दी गई है जो आप कहने की, मैं जो आपके कहने का मकसद समझ रही हूँ। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सारी अच्छा सहूलतें वहां मौजूद हैं कि कोई भी बंदा जो है वहां से निराश होकर नहीं निकलेगा, क्या बात है, ठीक 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 है ना। सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक ये हो गया, फिर आगे वो चेंज वगैरह अव्वल तो लोग पहले ही जो है मतलब जब दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही वो लोग जो भी जिसको चेंज कराना होता है वो चेंज करवा लेते हैं, ठीक है। और जो लोग लेट आते हैं तो फिर वो बाद में चेंज करवा लेते हैं। और मुझे एक चीज बड़ी हैरत वाली लग रही है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जब कोई, आपने देखा होगा कि वो बड़ी बड़ी मूवीज में दिखाते हैं कि जब कोई कसीनो में एंटर करता है ना, जैसे ये गैम्बलिंग वाली जो कसीनो होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गेम्स खेली जाती हैं, पत्ते खेले जाते हैं, वहां के दरवाजों पर ही जो है वो आपको चेंज मशीन मिलती है कि अंदर खेलने जा रहे हो गेम, तो ये ना हो कि तुम्हारे पास छुट्टा ना हो और तुम वापस पलट जाओ, तो उसको बाहर ही चेंज दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का मुझे एक लग रहा है, क्योंकि हमने तो कोई भी मजहबी जगह पर ऐसा नहीं देखा कि चेंज वाला बैठा हो और उसको ये, क्योंकि एक तरह का लोगों को सहूलत भी दी जा रही है और एक तरह का तरीका भी ये बताया जा रहा है कि अंदर जाके तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो पैसे देने में, इसलिए तुम चेंज पहले करवा लो, तो वो रिजेम्बलेंस मुझे थोड़ी सी आ रही है। और दूसरा, आपने वो जो हिंदुओं वाला पॉइंट भी बोला कि चौखट को चूमना और ये सब कुछ करना, तो ये पॉइंट भी मुझे काफी लोगों ने बताया, आपने इसको वेरीफाई किया, बहुत शुक्रिया। तो इसमें जो है जब चेंज मिल जाता है तो ये चेंज ले क्यों रहे होते हैं, इनको उस पैसों से करना क्या होता है? असल में क्या होता है कि मुसलमानों के कॉन्सेप्ट के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर हमने ये देखा है कि दुआ जो होती है वो दिल से निकलती है, बिल्कुल सही। ठीक है। दुआ को इंसान खरीद नहीं सकता, ठीक है ना। पर यहाँ पर कुछ उल्टा सिस्टम है, यहाँ पैसे देकर दुआएं खरीदी जाती हैं, अपने गुनाहों को बख्शवाया जाता है पैसे देकर, फ्री फंड में वो भी नहीं होते, ठीक है ना। हर महंगाई का दौर है, जाहिर सी बात है, हर मतलब पैसे बगैर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आप दाल रोटी कुछ भी लेने जाओ, आटा लेने जाओ, पैसों बगैर मिलता मिलता ही नहीं है वो, तो दुआएं कैसे मिल जाएंगी आपको। तो पैसे देकर जो है वहां से दुआएं ली जाती हैं, अपने गुनाहों को पैसे देकर बख्शवाया जाता है वहां पर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि अब वहां से कंटिन्यू करते हैं, इनका सबसे पहले जो है गिनान स्टार्ट होता है। ठीक। अच्छा, मैं गिनान पर तो आपने आ गए, और हमारे साथ हमारी बाकी सिस्टर्स भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी काफ़ी सारी, जब मैंने इनसे बातें की तो इनको काफ़ी सारी नॉलेज है उसके हवाले से भी। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आप गिनान की बात कर रहे हैं, मेरे पास एक फुटेज है और जब आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो आप लोगों को भी बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये किस तरह की इबादत हो रही है, और ये है भी जो है जमात खाने का है। और हमारी एक बहन जो अब हमें ज्वाइन करने वाली है, अनुषा, और अनुषा से भी मैं ये पूछूंगी कि अनुषा कभी आपने, क्योंकि ये तो बिल्कुल गिजर का जमात खाना है और एक माहौल बना हुआ है हिंदुओं का, जो एक सिस्टम होता है, आगे आग लगाई होती है, पंडित बैठा होता है और इस तरह का, वो तो ये मुझे कुछ इस तरह का लुक दे रहा है जैसे ये कोई मंदिर हो,
बीच में जो है वो एक उनकी जो अग्नि जल रही होती है वो है, ये देखें जैसे तेल डाल रहा है वो आग में। तो सिस्टर अनुषा से भी आगे पूछते हैं कि ये जो सिस्टम है क्या ये कोई खास सेरेमनी है या फिर रोजमर्रा में जो चीज आपने देखी वो आप बताना चाहेंगी। जी अनुषा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये अग्नि जो है जैसे कि हमने हमारे जो भाई हैं उन्होंने बताया कि ये मज़हब जो है वो हिंदुओं से बहुत ज़्यादा मतलब मैच करता है, ठीक है। इसी तरह जमात खाने में जाने के बाद जब हम बैठते हैं तो गिनान गाए जाते हैं, जैसे मंदिर में भजन गाए जाते हैं। जब तक इनकी दुआ का टाइम जैसे ये नमाज कहते हैं वो नहीं होता, जब तक जमात आकर जमा नहीं होती तब तक ये भजन गाए जाते हैं और पूरी जमात उसमें हाथ जोड़कर शामिल होती है जैसे हिंदुओं में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब दुआ का टाइम होता है तो वो भजन जो है वो गाने वाले जो होते हैं चाहे मर्द हो चाहे औरत हो वो उधर ही स्टॉप करते हैं। उसके बाद मुखी साहब कहते हैं जो पाठ पर बैठे होते हैं वो कहते हैं अब दुआ का टाइम हो गया, ठीक है। दुआ मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये लोग जो दुआ जिसे कहते हैं ये लोग उस दुआ को नमाज मानते हैं, ठीक है। अच्छा। जिसमें जिसमें ना ही वजू किया जाता है, वजू की जरूरत नहीं, जिसमें ना औरतें सर पर दुपट्टा रखती हैं, ठीक है, और जिसमें ना रुकू होता है ना तशहुद होता है और ना ही प्रॉपर सजदा होता है, जिसको ये नमाज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका ये दावा है कि कुरान में 3 वक्त की नमाज है, ठीक है, और हम उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जिन जो मुखी जिनसे जो है ये जो मुखी जो कहते हैं कि अब दुआ का वक्त हुआ जाता है वो अब इनके इमाम का राइट हैंड होता है। अच्छा, ठीक है, चलेंगी अब हो गई दुआ, ठीक है। उस पे जो पढ़ाने वाली जो होते हैं उसमें या मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, ठीक है। वो औरत या मर्द जो भी है वो कहता है अमर मुखी साहब, ठीक है, और मुखी साहब कहते हैं अमर हाजिर माम, यानी अमर किसे कहा जाता है आप मुझे बताएं जरा, आपकी जी हुकुम जी जी। तो मतलब इसमें अल्लाह तो कहीं भी नहीं आया। उसने कहा मुखी साहब आप अमर हो, मुखी ने बोला नहीं मैं नहीं, मेरा इमाम अमर है। अल्लाह नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरा इमाम अमर है, ठीक है। दुआ शुरू हो गई जिसमें ना कोई रुकू हुआ ना कोई तशद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। दुआ पढ़ाई गई, पहली दुआ जब कंप्लीट हुई उसमें जो है तस्बीहात जैसे हम सलाम फेरते हैं ना इस तरह लास्ट में जो लोग बैठे होते हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला के हाथ मिलाते हैं और कहते हैं मुझे प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा, शाह जुदीदार। अच्छा, फिर चाहे बराबर मर बैठे। अच्छा, यानी कि जिस तरह हम सलाम करते हैं नमाज के आखिर में जब हमारी रकात कंप्लीट हो जाती है तो ये शाह जुदीदार बोलते हैं और बराबर में जो बैठा होता है उसके साथ ये हाथ मिलाते हैं। जी हाथ मिलाते हैं, पे बराबर में मर्द बैठा है अगर तो मर्द से भी हाथ मिला। हम देख रहे हैं अनुषा पिक्चर में, हम देख रहे हैं कि दो औरतें बैठी हुई हैं मर्द के बीच में, तो अगर ये इनकी ये दुआ कंप्लीट हो जाएगी तो ये बराबर में बैठे मर्दों से हाथ मिलाएंगी। जी बिल्कुल हाथ मिलाएंगी। और यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ ही रहा होगा कि इनका कोई वो किबला नहीं है, ये आमने सामने बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं मर्द और औरतें, बिल्कुल किसी के सर पे दुपट्टा है किसी के नहीं है, तो इस इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, कोई पोजीशन भी नहीं है प्रॉपर, कोई ओकड़ू बैठा है, कोई टांगे पीछे करके, कोई टांग बाहर करके, एक एक जानो होकर। जबकि हमारा जो तरीका है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा बाकायदा तरीके होते हैं, जिस तरह आपने मुझे एक पिक्चर भी भेजी है कि ये हमारा नमाज का तरीका है। जी बिल्कुल, दुनिया के सारे मुसलमान इस तरीके को फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये जो स्माइली जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स अपने स्माइली के आगे लगाते हैं स्माइली मुस्लिम्स, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं करते तो फिर ये कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इनको ये तालीमात कहाँ मिलती हैं कि 3 टाइम की नमाज है जिसमें ना सजदा है ना वजू है कुछ भी नहीं है।
ठीक अनुषा, मैं जो सवाल करने जा रही हूँ वो ये कि आपने नमाज का जिक्र किया, आगा खानियों की नमाज का, तो जब आप जमात, जैसे हमारे भाई ने बताया कि इंटर होते हैं, है जिंदा कायम पाया बोलते हैं, और उसके बाद फिर इंटर होते हैं, सब लोग किस तरह हॉल में किस तरह बैठे होते हैं, जरा उसका भी सिनेरियो दीजिए, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उसमें मोस्टली जो है वो गैर इस्माइली भी होंगे जिन्होंने कभी जमात खाने में अंदर कदम नहीं रखा, उनको आप एक जरा मुझे इन्वायरमेंट बताइएगा कि अंदर क्या इन्वायरमेंट होता है। एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें पाट रखे हुए होते हैं सामने, जहाँ मुखी और मुखियानी बैठते हैं, कामड़िया और कामरानी बैठते हैं सामने बिल्कुल। उसी के सामने जो एक जो मुखी का जो राइट हैंड होता है उसकी तरफ मर्द बैठते हैं, और जो लेफ्ट हैंड होता है वहां पर औरतें बैठी भी होती हैं। सही। ठीक है। और उसमें बीच में कोई पार्टीशन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और मर्द और औरतें एक साथ होती हैं। ठीक। अच्छा, ये जो नमाज आपने जो जिक्र किया कि इनकी इस्माइली दुआ ये पढ़ते हैं, तो जो फ्रंट पे जो लोग बैठे हैं वो उनका रुख जमात की तरफ होता है। मुखी जो जो फ्रंट पे जो जमात होती है उनका रुख जो होता है वो मुखी की तरफ होता है। ठीक है। और मुखी जो बैठे होते हैं और जो पार्ट पे और लोग रखते बैठे होते हैं उनका उनका रुख जो होता है वो जमात की तरफ होता है। सही ठीक। यानी कि कोई भी कोई किबला रुख होने का कोई किसी किस्म का भी अहतमाम नहीं कंसेप्ट होता है क्या? नहीं है। अच्छा ठीक। आगे बताइए जी। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है जब दोनों दुआएं पढ़ी जाती हैं, अच्छा फर्स्ट दुआ जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद दोबारा भजन गाए जाते हैं। सोकर हम तो भजन ही बोलेंगे भाई, क्योंकि गिनान जो है वो हाथ जोड़कर और भजन की तरह गाए जाते हैं। फिर सेकंड दुआ का जब टाइम होता है सेम वही जो है वो प्रोसीड करते हैं उस चीज को कि मुखी साहब बोलेंगे अमर मुखी साहब एंड अमर हाजिर इमाम, फिर दूसरी दुआ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी दुआ के कंप्लीट होने के बाद जो मुखी होते हैं वो कहते हैं कि तस्बीह कर दो मुश्किल आसान दी। ठीक है। अच्छा। फिर बोलते हैं अल्लाह से नहीं या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम कुल जमात दी कुल मुश्किलों आसान कर। फिर पूरी जमात जो है वो खड़े होकर तस्बीह नहीं करती है या अली या मोहम्मद की। ठीक अच्छा। है। ये तस्बीह जी तस्बीह निकालती है। और उसमें तस्बीहात के बाद बहुत सारी दुआएं होती हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ दुआएं जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे जरूर। कि मौला जो है हमें हकीकती समझते। ठीक है। और हमारा हमें बातिनी दीदार नसीब करे, और मतलब जो हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए रोजी कमाई में बरकत दे, औलाद के लिए भी उन्हीं से दुआएं मांगी जाती हैं। ठीक है। ठीक। और आखिरत के लिए भी जो है वो असल में वासिल कर, यानी ये जो अपने इमाम को जो अल्लाह समझते हैं और अल्लाह का नूर समझते हैं, तो वो जो है अपने जो है मतलब उसी उसी से मांगते हैं कि हमें असल में वासिल कर। ठीक है ना। असल इसके में अलावा वासल का जो मैं है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताती चलूं कि असल में वासल यानी असल यानी हाजिर इमाम। हाजिर इमाम की असलियत क्या? वो ये कि वो नूर है, अल्लाह का अल्लाह नूर है, और वो उसके अंदर हर इस्माइली ये समझता है कि मरने के बाद उसकी रूह हाजिर इमाम में समो दी जाएगी, उसके अंदर मिक्स हो जाएगी और वो वसल हो जाएगी और दोनों एक हो जाएंगे। और जब आखरत में इनके इमाम के कई फरमान में भी आता है कि उनके इमाम जो है वो अपने मुरीदीन को बचा लेंगे क्योंकि वो उनके अंदर से वसल हो गए, उनके अंदर ही रहेंगे, पुल सरात भी पार हो जाएगी और हर गुनाह से माफी भी मिल जाएगी। तो असल में वासल का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, मैं अनुषा अगर आपकी इजाजत हो तो एक वीडियो है जिसमें एक साहब यही जो तस्वीर आपने बयान की है वो पढ़ रहे हैं, मैं जरा सुनवा देती ताकि आपकी बात की ऑथेंटिसिटी भी लोगों को पता चल जाए कि आप खुद से नहीं बोल रही हैं। तो मैं इंशाल्लाह दिखा देती हूँ। हमारा पालनहार हमारा गुनाहोनी माफी बख्श अने हमारा कार्यों ने आसान करी दे अने हमने रोजी आप अने हमारा ऊपर रहम कर अने खरेखर तू ज सर्वे वस्तुओं ऊपर शक्तिमान छे या अली या मोहम्मद या अली। ओ जमाना मालिक ओ हमारा धनी तू ज मारी शक्ति छे अने तू ज मारो आधार छे अने तारा ऊपर ज मने भरोसो छे। ओ हाजर ओ मौजूद इमाम ओ शाह करीम अल हुसैनी तू ज हकीकी जाहिर इमाम छे ओ अल्लाह मारो शिजदो। जी अनुषा, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल सही, ऐसा ही है कि इनके लिए जो है वो सब कुछ जो है वो जो जिसे हम अल्लाह को मानते हैं, इनके लिए वो सब कुछ इनका इमाम है, इमाम है। ये इमाम को अपना अल्लाह मानते हैं नाउज़ुबिल्ला।
जिससे ये अपने सारे गुनाह भी माफ करवाते हैं, जिससे ये कहते हैं कि हमें दसों में पूरा रख। दसों जो हम मुसलमान जिसे जकात कहते हैं, ये लोग अपना अपना दसों जो होता है 20% जो है एक्स्ट्रा जिसे कहा जाए, हमारी तो जकात जो होती है वो सालाना होती है, ये एवरी मंथ जो देते हैं उसमें भी पूरा रख। अगर उसमें भूल चूक हो गई तो उसकी भी माफी की दुआ के मौला हमारी दसों में जो भूल चूक हो गई है वो भी माफ कर, कि अगर हमने 1 रुपया 2 रुपया कम दे दिया तो वो भी तू माफ कर दे। ठीक है, ये तो चीज समझ आ गई। ये जो शाह जो दीदार यानी कि जो इनका सलाम हो जाता है, आपने कहा कि औरतें मर्द के साथ अगर इनका बराबर में मर्द बैठा है तो उसके साथ भी हाथ मिला लेती हैं और ये इनका सलाम होता है, ये नमाज इधर ही कंप्लीट हो जाती है? तस्बीह जो आपने बताया कि तस्बीह भी पढ़ते हैं और खड़े होके पढ़ते हैं, उसके बाद ये दुआओं का सिलसिला खत्म हो जाता है कि मजीद जारी रहता है? नहीं, दो दुआएं एक साथ पढ़ी जाती हैं, उसके बाद ये तस्बीहात होती हैं। तस्बीहात के बाद जो है वो मुखी साहब जो है वो ऐलान करते हैं कि अब जिसने दुआ करानी है वो दुआ कराए, और फिर जो है फिर दुआ करवा, मतलब जो औरतें होती हैं वो औरतों वाली साइड पे दुआ कराती हैं, लाइंस लगती हैं बड़ी बड़ी वहां पर। फिर जो है वो दुआ कराने के लिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुआ कराने के लिए खड़ी हुई हूँ तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि आगे वाली दुआ करवा ले। दुआओं के भी यहाँ पर जो है काफी पैसों के लिए हो, मतलब पैसे जिनके अच्छे पैसे होते हैं उनको अच्छी दुआएं मिलती हैं, जिनके पास सिर्फ 5 रुपए हैं उनको 2 दुआएं देके जो है वो खाना वदान बोल दिया। यहाँ भी बड़ा ये चीज होती है कि जब हम मतलब जैसे हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमें जो है वो अल्लाह सबको बराबर देते हैं, और जो हमारे लिए हक में बेहतर होता है अल्लाह ताला हमारे लिए वो करते हैं, लेकिन ये लोग जो है पैसे देकर जो है वो दुआएं खरीदते हैं कि हम जितने ज्यादा पैसे देंगे हमें उतनी ज्यादा दुआएं मिलेंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अनुषा, आपसे मजीद हम और चीजें भी जानेंगे। और सिर्फ एक छोटा सा आप लोग को फीडबैक देते हैं, एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं कि इनकी दुआएं होती किस तर्ज अमल से, उसके बाद हमारी सिस्टर मरियम भी हमारा वेट कर रही हैं, उनका भी इनपुट लेते हैं इसमें दुआ के बारे में, एक छोटी सी क्लिप। सुल्तान तो वो या शाफीर वकील जुमनो जमात मादर पिदर खेश किसावन जिंदे मुर्दे बंदो सिता पाव गुने गा जा शा तो गुना बख्शन बख्शन हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल कय्यूम ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल यकीन ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिक यौमिद्दीन لا فتح الا علي لا سيف الا ذو الفقار بسم الله الرحمن الرحيم نادي علي نادي علي المزهر العجائب تجدو عن اللقاح نوائب كل هم وغم سين جليب ولايتك يا علي يا القيم نور مولانا سلطان ما مشى الامام। सिस्टर मरियम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सिस्टर मैं ना दुआ के रिलेटेड एक और बात कहूंगी कि आप पहले जो सुल्तान मोहम्मद शाह का जमाना था तब ना कुछ 16 या 18 पाठ होते थे दुआ के, और फिर वो गुजराती में होती थी, और उसके बाद अभी जो मतलब करीम आगा खान है उनका जमाना है तो अभी ये दुआ को छोटी कर दी गई है और ये 6 पार्ट की दुआ होती है, इसमें थोड़ा बहुत अरबिक भी मिलाया गया है। यानी इनके मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो इनके पास जमाना का इमाम है, हादी है, लेकिन दो इमामों की आपस में बातें मिलती नहीं है, समझे आप? बिल्कुल हाँ, यानी कि एक इमाम ने आकर दूसरे की दुआ चेंज करवा दी, यानी हाँ, आपस में भी कुछ सदियों में ही नमाजें इनकी जो इस अपने नमाज बोलते हैं उसमें ही बहुत सारी चेंजिंग आई। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक, और जो अभी मैंने ऑडियो सुना ये भी ओल्ड गुजराती दुआ थी, अभी ऐसी नहीं है, ये भी हम क्लियर कर दें। जी जी सिस्टम जी जी तो यही है कि मतलब इमाम है लेकिन फिर भी अभी अब ये हमें नहीं समझ में आता कि सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने की दुआ सही थी या ये दुआ सही है।
यानी अगर वो सही थी तो अभी के जो इस्माइली है वो गलत कर रहे, या अभी की सही है तो जो मतलब हमारे फोर फादर थे वो लोग ने जो वो दुआ पढ़ी तो वो गलत थी, तो वो लोग का क्या ठिकाना फिर। बिल्कुल सही बात तो ये एक बड़ा मसला हो गया है। इसके बाद मैं ये कहूंगी कि मैं जी आप कुछ बोल रहे शायद। नहीं नहीं मैं नहीं बोली, पीछे माइक आई थिंक किसी का म्यूट हुआ था जी। अच्छा तो फिर ये होता है डेली रूटीन होता है, और डेली रूटीन में बस यही होता है कि जमात आती है तो गिनान होता है, फिर उसके बाद दुआ होती है, और उसके बाद तोबो होता है जो पैसे से होता है, उसके बाद नामी वगैरह होती है, तो ये डेली रूटीन का होता है। लेकिन फिर इसके बाद होता है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन थोड़ा एक्टिविटीज बढ़ जाती है अच्छा जी। तो फ्राइडे के दिन सबसे पहले तो ये होता है कि स्पेशल डे माना जाता है, तो उस दिन ना लेडीज जो होती है वो अच्छी ड्रेसिंग करके आती है ज्यादातर। और हाँ, और ये होता है कि जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है या नए कपड़े नहीं है तो फिर वो करती है ड्यूटी ले लेती है, क्योंकि ड्यूटी का एक यूनिफॉर्म होता है, वो हमेशा वही पहनना होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में शलवार और कुर्ता होता है और ऊपर से दुपट्टा डाल देना है, जो दुपट्टा सर पे नहीं होगा। और ड्यूटी का मतलब वेस्टर्न कंट्री में यह होता है कि शलवार कुर्ता भी हो सकता है या फिर स्कर्ट भी हो सकती है, अच्छा स्कर्ट और हाँ टॉप पहन लिया, जैसे व्हाइट टॉप है और ब्लैक कलर का स्कर्ट पहन लिया, और वो ड्यूटी दे सकती है लड़की इस तरह, यानी लेकिन ज्यादा ये लड़की बहुत के। बड़ा मतलब ये बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट बोला कि जिसके पास कपड़े मतलब उस टाइम पे ढंग के नहीं होते तो वो जाकर खुद ही वॉलंटियर में अपना नाम लिखवा लेते हैं, ये आप कह हाँ रही हैं। वो हाँ अच्छा हाँ वो कहते हैं कि मैं ड्यूटी दे दूंगी, तो फिर उनको ड्यूटी मिल जाती है, सही। तो फिर वो ड्यूटी हाँ ड्यूटी दे देती है। अब वो इस तरह से होता है। उसके बाद जब जमात खाने में जाते हैं तो एवरीडे ये होता है कि पहले गिनान होता है और उसके बाद दुआ होती है, लेकिन फ्राइडे के दिन ये होता है कि घटपाट की स्थापना होती है सबसे पहले। तो घटपाट की स्थापना होती है, ये होता है, मैं आपको ये बता दूं कि घटपाट क्या होता है। घटपाट ये होता है कि एक सफेद मतलब साफ कपड़ा होता है, साफ कपड़े के अंदर ना कुछ बर्तन रखे हुए होते हैं, जैसे एक बड़ा प्याला होता है, तीन प्लेटें होती है, और वो जो बड़ा प्याला होता है उसके अंदर छोटी छोटी प्यालियां होती है न्यास के लिए, और आबे शफा की एक बोतल होती है, और एक कप होता है जो आबे शफा सर्व करने के लिए होता है। ये सारा रखा जाता है, और ये एक कपड़े से रैप किया जाता है, किया हुआ होता है। पहले जमाने में ये होता था कि पहले जमात खाने के अंदर ये सारा धोया जाता था, सारे बर्तन धोए जाते थे, पानी से साफ करते थे, और फिर वो अगरबत्ती होती है उसका धुआं दिया जाता था, और उसके बाद उसके अंदर पानी डाला जाता था, फिर इस तरह से। लेकिन आजकल ये नहीं होता है, आजकल अंदर नहीं धोया जाता है, एक दिन पहले ही धो लेते हैं, और सिर्फ अगरबत्ती का धुआं लगा दो और फिर उसके बाद इसको रेडी कर दो। इसको रेडी ये करते हैं कि एक प्लेट के अंदर जो बड़ा वाला बाउल होता है, प्याला होता है, वो रखा जाता है, और दो सामने रखी जाती है प्लेटें, और दोनों में चार चार छोटी प्यालियां रखी जाती है न्याज साव करने के लिए। अच्छा और जो बड़ा वाला प्याला होता है उसके अंदर पानी डाला जाता है, और उसके बाद उसके अंदर न्यास की जो बोतल होती है साथ में वो डाली जाती है उसके अंदर, तो वो वो न्यास बन जाएगा, अभी ये पानी न्यास बन गया। अच्छा हाँ फिर उसके बाद होता है दुआ स्टार्ट होती है। ये जो न्यास ठीक का है, पानी लेते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन जब पीने के टाइम पे उसको पे करना होगा। अच्छा सही हाँ जी। जैसे मतलब सर्व करेंगे ना, तो तब वो मैं बताती हूँ आगे का प्रोसेस। ओके ओके सर अच्छा, जी यहाँ मैं इजाजत हो तो एक बात ऐड करना चाहूंगा। जरूर। वो अभी इन्होंने जैसे बहन ने कहा कि पहले दुआ के इनके ज्यादा पार्ट हुआ करते थे, अब कम हो गए, ये कौन चेंज करता है? तो एक्चुअली ये थोड़ा प्रोसेस यूं है कि इनका ये मानना है कि हमारा जो करंट इमाम होगा वो, उसको तमाम अथॉरिटीज हैं कि वो कुछ भी किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक सही। है, और ये इन्होंने सिर्फ करंट इमाम को ही जो है फॉलो करना है, जो पीछे रह गए वो रह गए, खत्म। ठीक है, अच्छा। और दूसरा ये जो आबे शफा जिनकी ये बात हो रही थी अभी,
तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। और जो पैसे नहीं देता, जो जिसके पास नहीं होते, अगर वो बिना पैसों के पीता है तो उसको बड़ी हकारत की नजरों से देखा जाता है। अच्छा, जी यानी हाँ, कि वहां पे सिस्टम है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, बिल्कुल ठीक आपने क्लियर मतलब कर दिया। पैसे, हर चीज पैसे से होती है, बिना पैसे के जो है ना कुछ भी नहीं। बिना पैसा कुछ नहीं होता, यानी कि वहां पर खुदा भी जो है वो खरीदा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। जी मरियम, हेलो मरियम जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी जिस तरह से सिस्टर ने बताया उसी तरह से दुआ स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो पांचवा पार्ट होता है ना, उसके अंदर जो या अली या मोहम्मद का ब्रेक लगता है ना, उसके अंदर ये होता है कि ये जो प्यालियां होती है उसके अंदर ये आबे शफा डाला जाता है, चार में या पांच में, छोटी जो प्याली ठीक। होती है उसके अंदर। और जो दुआ पढ़ाने वाली होती है वो बोलेगी फरमान, तो जमात बोलेगी या अली या मोहम्मद, इस तरह से। और फिर उसके बाद बाजू में शुक्रित की थाली होती है, उसके अंदर भी कुछ थोड़ा डाला जाता है न्यास, और उसके बाद दुआ कंटिन्यू की जाती है। अच्छा ठीक। जी अच्छा, आपने किसी घटपाट की दुआ का जिक्र किया, मैं आपकी इजाजत से, क्योंकि आपने मुझे दी, तो मैं जरा सा लोगों को सुनवाना चाहती हूँ कि घटपाट की दुआ होती किस तरह की है। बिस्मिल्लाह, दुआ दे जी घंटपाट उठाने की अलामरिया। जी जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या मौलाना, मिनका मददी व अलैका मुक्तमदी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अली बिलुत्फिका अद्रिकनी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलीयुन अमीरुल मुमिनीन अलीयुल्लाह, मौलाना शाह करीमुल हुसैनी अल इमामुल हादिरुल मौजूद। दुआ घटपाट उठाने की बेनती किशमर फुटिया शाह अपने हुजूर में कबूल कर। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम। खाना वदान मौलाना हाजिर इमाम, ईमान दीदार नसीब करे। जी सिस्टम है। जी, उसके बाद ये जो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि शुक्रित होता क्या है। ठीक है, शुक्रित ये होता है कि शुक्रित जो है वर्ड होता है संस्कृत में से लिया गया है, शुक्रित का वर्ड संस्कृत का है। ठीक है, उसका मतलब होता है अच्छे अमल, गुड डीड्स। ओके, यानी ठीक है, संस्कृत अरबी से नहीं लिया, संस्कृत से लिया है, यानी हिंदुओं की संस्कृत। किताब से। ओके ओके। जी 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 जैसे भाई ने बताया ना कि ज्यादातर सारी चीजें हिंदुओं से ही आई है, तो ये भी उसी में से उठा लिया। ओके एनीवे, उसके बाद ये है कि ये शुक्रित बनता कैसे है। तो ये शुक्रित बनता है पांच चीजों से। ये होता है खीर खांड, ग्रथ अमृत और भोजन। खीर यानी दूध, तो दूध का ये होता है कि दूध जिस तरह से प्योर होता है उसी तरह से हमें प्योर रहना है। ठीक अच्छा। है, फिर उसके बाद होती है शुगर, शक्कर होती है, तो जिस तरह से शक्कर मीठी होती है तो उसी तरह से हमें भी हमारी जबान को मीठी रखनी है। सिंबॉलिक सब चीजें। ओके जी। उसके बाद होता है घी, तो घी का ये होता है कि वो जिस तरह से गर्म होकर पिघल जाती है, तो हमें भी मतलब कोई सामने वाला पर्सन अगर गर्म मिजाज का है और किसी भी तरह से है, तो हमें भी अपने मिजाज को पिघला कर रखना है, क्या नरम बात है, रखना है, मतलब तावीलात घी देखिए, के। माशाल्लाह, तावीलात की इंतहा हो गई। जी बोलिए। जी। उसके बाद पानी होता है, तो पानी क्योंकि जब आबे शफा रेडी नहीं होता है इसलिए पानी डाला जाता है उसके अंदर, और जब ये फिफ्थ पार्ट के अंदर आबे शफा डाली जाती है तो फिर वो जो पानी होगा वो पानी आबे शफा बन जाएगा। अच्छा। और आटा होता है, जो आटा ये होता है कि जिस तरह से गैस पर मतलब स्टोव पर आटा सेक कर उसको बनाया जाता है, तो वो अपना मतलब अपनी वो छोड़कर दूसरे के लिए कुर्बान हो जाता है, यू नो, इस तरह से हमें भी लोगों के लिए रहना है। अच्छा जी, सही, तो इस सुक्रीत तरह के से ये पीछे शुरू। लॉजिक है, ये बहुत बड़ी जी लॉजिक है जी सुक्रीत के पीछे की। ठीक। जी जबकि और अच्छा ये हो, ठीक है, इसके बाद होता है दुआ कंप्लीट हो जाती है, दोनों दुआ के बीच में फरमान या फिर गिनान होता है, और उसके बाद दूसरी दुआ होती है। उसके बाद अच्छा मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो इंडिया पाकिस्तान की साइड जो होता है ना, पहली दुआ होती है, उसके बाद सिटिंग पोजीशन में दुआ मांगी जाती है, तस्बीह होती है, मतलब
अच्छा लेकिन वेस्टर्न में ऐसा नहीं होता है, वेस्टर्न में खड़े होकर ये तस्बीहात होती है। अच्छा और सेकेंड दुआ जो होती है वो फिर इंडिया पाकिस्तान में स्टैंडिंग में दुआ के बाद तस्बीह होती है, और यहाँ पर उल्टा होता है, यानी दोनों जगह पे अलग अलग तरीका है, तरीका एक नहीं है, जबकि इमाम एक है, हाजिर है, हादी है, मौजूद है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। बिल्कुल ठीक जी, सही। यहाँ पे मेरे हाथ से मरियम आपकी जो है वो जहां तक तैयारी थी माशाल्लाह आगे भी आपसे पूछते हैं। यहाँ पे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी, और हमारे साथ अजीम खोजा भाई भी मौजूद हैं, और अजीम खोजा भाई भी पहले आगा खानी थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया उन्होंने, और अब बाकायदा मुसलमानों के तरीके से जैसा नमाज रोज़ा। अजीम भाई, आपने जितनी भी बातें सुनी, पहले तो अस्सलामु अलैकुम, सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने जितनी भी बातें सुनी कि किबला रुख ना होना, बावजू नहीं जाना इबादत गाह में, फिर औरतों का आदमी से हाथ मिलाना, उसके बाद ये तमाम सुकरीत यानी बिदात, क्योंकि ये इस्लाम का कभी हिस्सा नहीं थे, तो बिदात भी आपने देखी, ये आपने जो रियलाइज की चीजें कि आगा खानी मजहब में ये सब जो आप करते आए, और अब में क्या डिफरेंस पाया, जरा हमें हमारी बाकी भी आवाम को जो है वो उसमें रहनुमाई दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, इस्लाम जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पूरी और मुकम्मल तालीम जो है हमको दी है, यानी कि हमारी इबादत कैसी हो, हमारे मामलात कैसे हो, हमारी माशरत कैसी हो, हमारे अखलाक कैसे हो, हमारा ईमान कैसा हो, तो इसके अंदर सारी चीजें जो है अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको पहुंचा दी है। रही बात ये इस्माइलिज्म की, कि जैसे हमारे सिस्टर ने और उसके पहले भाई ने भी बात करी कि जब जो है जमात खाने के अंदर जाते हैं तो है जिंदा बोलते हैं, कायम पाया बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है ये तो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। हम तो वही बात को मानेंगे जो अल्लाह ने अपने किताब में बतलाई है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर अपने कॉल के जरिए से या अपने फेल के जरिए से, यानी कि अमल के जरिए से या अपनी जबान से बतलाइए, उस बात को हम मानेंगे। उसके अलावा कोई भी बात मानने का हमको राइट नहीं है, हमको अधिकार नहीं है। सही, ठीक है ना। अब ये जो कहते हैं कि भाई जो सबसे पहले जो है वजू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर इस्लाम के अंदर वजू का तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि हदीस पाक में यहां तक बात आके आती है कि जिसका वजू नहीं है उसकी नमाज नहीं है, और जिसकी नमाज नहीं है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। तो वजू के बगैर जो है आदमी की नमाज भी नहीं होती, ये तालीम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी है। तो अगर ये इस्माइली जो के दुआ पढ़ते हैं, जो अपने आप को नमाज उसको नमाज कहते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि अगर ये इनकी नमाज है तो बगैर वजू की नमाज कैसे हो सकती है। दूसरी बात जो है ये इस्लाम की कंपैरिजन अगर हम करेंगे इनके साथ में, कि इनके कपड़ों के ताल्लुक से कि इनके कपड़े जो है वो खुले हुए रहते हैं, यानी कि देखिए इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है कि मर्द का एक सतर होता है और औरत का एक सतर होता है। ये सतर का हिस्सा छुपाना जो है ये फर्ज है। इस वक्त में खास तौर पर जब इबादत की जाती है, यानी कि नमाज की हालत में, एक आदमी का सतर जो है वो उसकी नाप से लेकर घुटने तक होता है, इतना हिस्सा छुपाना उसको फर्ज है। उसका अगर उतना हिस्सा अगर उसका खुला रह गया नमाज की हालत में तो उसकी नमाज नहीं होगी। और औरत के लिए उसका सतर जो है सर के बाल से लेकर पांव तक उसको अपने कपड़ों के अंदर छुपे रहना फर्ज है उसके ऊपर। अगर उससे ज्यादा अगर उतना हिस्सा अगर खुला रह जाता है तो उसकी नमाज नहीं होती है, नहीं होती है। तो जमात खाने में तो इसका तस्वुर ही नहीं है। हम खुद जमात खाने जाते थे, हमने भी गटपात की स्थापना करी है, और मैं जो है चांदरात का कामड़िया भी रह चुका हूँ अल्लाह के उस वक्त में, उस जमाने के अंदर। तो हमने बहुत सारे छांटे भी डाले हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर हम पार्ट ले चुके हैं, लेकिन अब जब हम इस्लाम के साथ कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है ये कहाँ गुमराही की तरफ जा रहे हैं। ना किबले का ठिकाना है, जमात खाने में एक दूसरे के सामने बैठ कर देखते, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और किबले का रुख बदलने का हुक्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालू नमाज में अपने किबले को फेर लिया, अपने आप को बदल लिया दूसरे किबले की तरफ, यानी पहले जो है जिन नमाज की हालत में। आज भी वो मस्जिद मदीना शरीफ के अंदर मौजूद है जिसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं, दो किबलों वाली मस्जिद,
मैं खुद वहां पर जाके देखा हूँ, और जो लोग हज के लिए उमरे के लिए जाते हैं वो लोग भी जाके देखते हैं, जियारत करते हैं, कि एक मस्जिद के अंदर दो किबले है। पहले एक तरफ किबला होता था, उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब जो है आप मक्का की तरफ यानी काबा की तरफ रुख कर लीजिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालू नमाज में अपना डायरेक्शन बदल कर जो है काबा शरीफ की तरफ कर लिया। बहुत बड़ी बात, ये सारी चीजें जो है बहुत अहमियत है, बिल्कुल आपने सही कहा। आगे भी कुछ चीजें रहती हैं जी अजीम भाई। जी, बस ये सारी चीजें है जो थोड़ा सा आदमी अगर खुले दिल से अगर कंपेरिजन करेंगे तो बिल्कुल सही बात सामने आ जाएगी, उसमें कोई शक नहीं रहेगा उसको। बाकी माशाल्लाह से हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से वजाहत कर रहे हैं। बस आज इस्माइली को सोचना चाहिए थोड़ा खुला दिमाग रखकर कि पैसे दे के गुनाह की माफी कराना, ये तो अल्लाह के पास वो तसव्वुर में नहीं है इस्लाम के अंदर कि पैसे दे के गुनाह की माफी कराई जा सकती। ये सारी डिटेल जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और उसका कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपकी राय इसलिए भी लेना जरूरी थी क्योंकि हम अभी एक वन वे ट्रैफिक चला रहे थे, हम सिर्फ अंदर की बात बता रहे हैं, लेकिन जो आगा खानी ये सुन रहे हैं तो वो उनको भी थोड़ा सा हम ये फीडबैक देना चाह रहे हैं कि हमने दोनों तरफ से क्या डिफरेंस पाया। आगा खानी थे तो तब हमें क्या महसूस होता था, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ आए हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते हैं, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आते हैं। फौरन से चलते हैं न्याज की तरफ, और मरियम से ही कहेंगे कि मरियम अस्सलाम वालेकुम, न्याज के बारे में बताइए, न्याज और आबे शफा में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है। जी सिस्टर, यही होता है कि अब ये जो मैंने प्रोसेस बताया, दो दुआ हो जाती है, दो दुआ के बाद मुफ्ती साहब अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी ना दुआ करानी है, जैसे तौबा करानी है, और उसके बाद अपने गुनाह की माफी करवानी है, और उसके बाद न्याज पीना है। ठीक है। अच्छा। जी, गुनाह तो की फिर माफी करवानी है, दोबारा बोलिएगा, गुनाह की माफी करवानी है जी, किससे करवानी है जरा ये भी बताइए, उनको क्लियर हो जाए जी, किससे गुनाह की माफी होती है। जी जी, मुखी कामड़िया के पास जाना होता है, मुखी कामड़िया के पास जेंट्स जाएंगे और लेडीज जाएंगी मुखियानी कामयानी के पास। अच्छा जी, लेकिन ये होता है कि कभी कभी वेस्टर्न जो साइड होती है वहां पर ये देखा गया है कि हमने नोटिस किया है कि बंदा जो मतलब बुकी कामड़िया की पोस्ट पे होता है वो अगर उसने अल्कोहल ले भी लिया है तो फिर तो भी वो आकर बैठ जाएगा और उसके पास हमें अपने गुनाह की तो माफी करवानी है। तो अच्छा। मैंने तो बड़ी हैरत लगी, मैंने कहा कि जो बंदा खुद मतलब अल्कोहल की हालत में है तो वो हमारे गुनाह की माफी कैसे करवाएगा। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि मुखी के अंदर या कामरिया के अंदर इमाम का नूर उस वक्त मौजूद होता है जब वो गुनाह माफ कर रहा होता है, तो नशा दोनों को चढ़ता है कि एक को चढ़ता, सवाल ये भी आ जाएगा। अल्लाह हू अलम, बहुत ही कॉमन सी चीज है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी मुखी कामड़िया होते हैं वो जिस कंडीशन में होते हैं, जिस हालत में होते हैं, वो उसी हालत में जमात उनको ये समझती है कि इसके अंदर अभी मौला का नूर मौजूद है और उसी अमर के तहत ये हमारे गुनाह माफ करते हैं। न्यू विद लिसनर्स के लिए बताते चले कि आगा खानी हजरात यानी इस्माइली आगा खानी अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से नहीं बल्कि अपने इमाम से करवाते हैं, जिसको वो छांटे की रस्म कहते हैं, ये भी आपको क्लियर कर दे। जी सिस्टर मरियम। जी, ये कहते हैं हाजर इमाम यानी हाजर है, लेकिन फिर वो जमात खाने में हाजर तो होते नहीं है, फिर वो मुखी को काम करना पड़ता है उनका काम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, तो मुखी फिर करते हैं, पैसे लेते हैं जमात से और फिर वो जो एक्टिविटी होती है वो करते हैं, तो वो बोलते हैं और फिर खाना वदान और दुआएं जो होती है वो सारा होता है, जिस तरह से हम पैसे देंगे उस तरह से हमें दुआएं भी मिलेगी, ये हो जाता है। उसके बाद तुरंत होता है फिर न्याज पीने का, मतलब एक लाइन होती है तौबा कराने की और उसके बाद बाजू में लाइन होती है न्याज पीने की, अगर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना होता है और एक तरफ गिनान बज रहा है, गिनान अच्छा। की भी ड्यूटी रहती है तो वो रिसाइट करते रहते हैं, जिसका भी ड्यूटी होती है, मेल फीमेल डजंट मैटर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको वारा दिया गया है वो गिनान बोलेगी और यहाँ पर होता है न्यास का काम चालू होता है। न्यास का ये होता है कि लंबी लंबी लाइनें होती है, अब ये लाइन में खड़े रह के जमात करेगी क्या, फिर हो जाता है गॉसिप करना, स्पेशली लेडीज में ये होता है, हाँ आपस में बातचीत होती है और अब जाहिर से बात है बातचीत में तो फिर सबसे पहले तो कपड़ों का ही होगा, कपड़ों का डिस्कशन होता है, तूने क्या किया, ये किया, वो किया, उसने ये पहना एक्स वाई जेड,
और फिर गीबतें चलती है, उसने ये किया उसने ये किया। अच्छा ये होता है कि ये गीबतें और जो गॉसिप होती है वो यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके बाद ये जमात खाना जब न्यास का हो जाएगा उसके बाद जमात खाने के बाहर निकलेंगे वहां पर भी वो गॉसिप चलेगी और ये गॉसिप चलती रहेगी घर तक। अच्छा। यानी बंदा आया है यहाँ पर अपने गुनाह की माफी करवाने के लिए और लेकर जा रहा है गुनाह यहाँ से। बहुत वियर्ड चीज है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यानी कि इंसान इबादत गाह से बाहर निकलता है तो उसको चंद देर के लिए तो खुदा का खौफ रहता ही है, मस्जिद से बाहर निकलने वाला चंद कदम तक तो अल्लाह अल्लाह ही करता है, लेकिन आप बता रही कि जमात खाने के अंदर भी गॉसिप हो रहे होते हैं और बाहर निकलते वक्त भी हो रहे होते। बिल्कुल होती है, और बिलीव मी ये होता है कि छोटी जो जमात होती है ना तो वहां पर तो फिर भी डिसिप्लिन का थोड़ा बहुत माहौल मिल जाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी जमातें होती है जहां पर हजारों की जमातें होती है वहां पर बिल्कुल भी ये नहीं होगा, शोर हल्ला होगा और इस तरह से ऐसा लगेगा और सब लोग की ड्रेसिंग और ये सब कुछ इस तरह से होता है जैसे आपको आप जाओगे आपको लगेगा आप किसी पार्टी में आए हो, लिटरली ऐसी फीलिंग आती है। जी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप ना किसी पार्टी में आए हो और इस तरह से। और ये होता है कि जो छोटी जमात होती है वहां पर तो न्यास के लिए एक लेडी बैठी होती है जो दुआ पढ़ाती है, लेकिन जो बड़ी जमात होती है तो वहां पर तो चारों तरफ न्यास का और जो शुक्रीत का है वो सारा किया सहूलत की जाती है सब लोग के लिए। अच्छा उसके बाद बरहानी भी मौजूद हैं, मरियम आप भी हैं, अनुषा भी है, बाकी भी हमारे एक्स आगा खानी यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो जमात खाने की मैं एक फुटेज दिखा रही हूँ, मुझे यहाँ पे मर्द औरत एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं, कुछ खाने पीने की भी चीजें चल रही हैं, कुछ लोग खड़े हैं, ये जरा माहौल एक्सप्लेन कीजिए हमारे जो हजरात जो न्यू अभी लिसनर्स हैं और वो आगा खानी नहीं रह चुके। मैं रहीम बलवानी से कहूंगी भाई से कि वो हमें जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि ये जो एक माहौल बना हुआ है, औरतें उस तरफ खड़ी हुई हैं, मर्द इस तरफ भी हैं, बच्चे बैठे हैं और कुछ बोली टाइप का लग रहा है, ये क्या चक्कर है? जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं इस चीज को। ये असल में क्या होता है, जो लोग अपने घरों पे जो भी कुछ बनाते हैं खाना, ठीक है, जो भी खाना पकता है बनता है लोगों के घरों में, तो उसमें से सबसे पहले ये लोग जमात खाने का हिस्सा निकालते हैं। अच्छा, डेली निकालते हैं, और जुम्मा हो चांद रात हो कोई और दूसरा इनका त्योहार हो उस पे तो बाकायदा स्पेशल डिशें बनाई जाती हैं। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि हम जब छोटे थे तो हम भी ये सवाल किया करते थे कि ये क्यों होता है यहाँ पर, यहाँ तो हम इबादत करने आते हैं तो ये खाने का क्या कॉन्सेप्ट है जिसको नांदी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें ये जवाब मिला था कि ये गरीबों के लिए होता है। ठीक है ना, ये गरीबों के लिए होता है, वो लोग जिनके घरों में कुछ नहीं पकता तो उसको जो है मतलब दिया जाता था। ये हमें स्टोरी सुनाई जाती थी कि किसी दौर में मतलब ऐसा हुआ होता था कि जिनके घरों में कुछ नहीं पकता था जो गरीब होते थे तो लोग अपने घरों से लाते थे और वो लोग यहाँ से ले जाते थे। सही। पर आजकल जो है बाकायदा ये एक ट्रेंड हो गया है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्शन होता है कंपनियों के, गाड़ियों के, कई चीजों के ऑक्शन होते हैं, ऐसे ही यहाँ खानों का ऑक्शन हो रहा होता है। अच्छा, तो जो ये जितने पैसा जाता किधर है रहीम भाई, ये पैसा जाता किधर है? ये पैसा सारा इनके इमाम को जाता है। खाना अच्छा खरीदने वाला भी अमीर है और पैसा जहाँ जा रहा है वो भी अमीर है, तो गरीब कहाँ है इस पूरे सीन में? गरीब बस नाम का गरीब है, यहाँ गरीबों का कोई काम नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीरों का काम है, प्रेफरेंस भी उसी को दी जाती है जो अमीर हो। और यहाँ से इस बात से मुझे एक और बात याद आई जो अभी बहन जिक्र किया था कि मुखी कामड़ी की जो बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो है काफी मतलब जो है अमीर और गरीब का जो है ना डिफरेंस रहता है इधर। अच्छा। कि जो ज्यादा कोई पोस्टेड बंदा हो, पैसे वाला बंदा हो, ठीक है ना, उसको बाकायदा मुखी या कामड़िए के साथ बिठाया जाता है जमात खाने।
अच्छा, जबकि यहाँ पे गरीबों के लिए इसका आदमी नहीं और है। औरतें अगर आप देखें तो ये जो ड्रेसेस में खड़े खड़ी है, एक औरत वो कुछ बोरी लगा रही है, आदमी पैंट शर्ट में है, मुझे कुछ 6-7 लोग नजर आ रहे हैं और नीचे से कोई बच्चा या पता नहीं कौन है वो उनको चीजें पकड़ा रहा है। तो ये क्या आवाज लगाते हैं या पैसा बोलते हैं कि ये डिश इतने की? थोड़ा तरीकेकार बताइएगा मुझे, और कोई भी बता सकता है, ये कोई रहीम भाई को मैंने कौन बनेगा करोड़पति में नहीं डाला, कोई जो भी चाहे जवाब दे सकता है, लेकिन रहीम भाई आप स्टार्ट कीजिए कि ये है क्या। ये असल में यूं होता है कि जो लोग खाना लेकर आते हैं, ये छोटी छोटी सी टेबलें आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर वो खाना सबका लेके रख दिया जाता है। ठीक अच्छा है, जो अच्छी अच्छी जो डिशेज होती हैं वो सबसे आगे रखी जाती हैं, और जो थोड़ी सी एवरेज होती हैं या बिलो एवरेज होती हैं, गरीबों के घर से आई हुई होती हैं, उनको हाँ थोड़ा दूर रखा जाता है या किसी और खाने के साथ एडजस्ट किया जाता है। उसके अच्छा बाद ये जो बंदा नीचे बैठा है, ये वन बाय वन अकॉर्डिंगली जो मतलब डिश जिस डिश के साथ रिलेट कर रही होगी वो सिलेक्ट करके उठा उठा के ऊपर खड़े बंदे को देगा, और अच्छा वो बंदा उस डिश में बताएगा कि क्या चीज़ है। अच्छा मिसाल के तौर पे वहां पर अगर निहारी है तो बोलेगा कि निहारी है, चिकन की है तो वो भी बताएगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो उसके बोली लगाएगा कि ये नहारी है, बोली कौन लगाएगा, मतलब ये डिश यही कितने की है ये कौन डिसाइड करता है? ये जो बंदा खड़ा है ये अपनी मर्जी से कोई भी बोली लगा सकता है अकॉर्डिंग टू डिश, ठीक है। और इनका शुरुआती जो है मतलब अगर अच्छा खाना बना हुआ है तो 500 हजार, 1500, 2000, वो डिपेंड करता है, जैसा माल वैसा दाम, ठीक है ना। हाँ ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, जो जितनी अच्छी चीज होगी उतने अच्छे दाम से बोली स्टार्ट होगी, और फिर जिसकी जो हैसियत होती है वो उस हिसाब से उसकी बोली लगा रहा होता है, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई और वो चीज बस उसकी हो गई। अच्छा ठीक है, कमर समद भाई से बात करते हेलो, हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर समद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई, ये मेरा नांदी का थोड़ा हाँ, सा मैं प्रोसेस नांदी का और आपको मजीद बता रहा हूँ। बताए। देखें, एक तो ये नांदी है ना कि नॉर्मल खाना है जिसकी नांदी हो रही है ना, तो ये तो ऐसा होता है कि लोग खरीदते हैं तो जिसने ज्यादा बोली लगाई, भाई जिस तरह मैं खड़ा हूँ, मैंने देखा भाई चिकन का सालन है, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसने स्टार्ट की 10 रुपए से, तो मेरे सामने वाले बंदे ने 20 रुपए लगाई, मैंने 30 रुपए लगाई, इस तरह से दोनों हम आपस में बोली लगाते रहेंगे तो अच्छा, जब मेरी बोली सबसे ऊपर होगी तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा मेरी मर्जी, या तो मैं ले लूं या तो मैं दोबारा नांदी के लिए भी दे सकता हूँ, चलो मैंने मौला को पैसा दिया दोबारा नांदी कर दो, एक ये भी ओहो तरीका होता है, अच्छा सही है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई दे दिया, फिर ऐसा होता है कि ना ये तो नॉर्मल नांदी है ना, अब जैसे जो मरता है ना तो वो मरने पे अपनी चीजें लाते हैं, जैसे कोई बच्चा मरा तो खिलौने आते हैं, कोई औरत मरी तो उसका सोना आता है। अब ये जो चीजें आती है ना, इनकी जो टीम होती है डिसाइड करती है कि इसके रेट कितने होने चाहिए। अब शायद अगर सोना आया तो सोना है कि लोग पहले से तोल के रखते हैं कि इतना सोने का वजन है तो इतने तक का होना चाहिए, ये क्योंकि ये लोग 4-5 साल से नांदी चला रहे होते हैं, इनको सब आइडिया होता है कि ये रेट्स कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते, क्योंकि इनका काम ही होता है, जो कमेटी में बंदे होते हैं उसको आइडिया होता है कि किस तरह से चीजें बेचनी है, तो सोने वोने जो चीज होते हैं ये लोग उसके सब आइडिया जो है ना वो निकालते हैं कि इतने का होना चाहिए, तो उससे सस्ता। अब जाहिर सी बात है, अगर 5 लाख का सोना है तो 3 लाख में तो नहीं बेचेंगे ना, तो वो बोलते हैं मौला का नुकसान होगा, ओहो तो वो पहले से बैठ के साइड में बैठते हैं और ये सब डिसाइड करते हैं कि सोना इतने का है, तो क्योंकि यहाँ पे ऐसे ना कि जो मरता है वो कहता है जो चीज मैं दूंगा मुझे ऊपर जन्नत में मिलेगी। अच्छा ये हाँ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो मैं चीज दे रहा हूँ मरने के टाइम पे वो मुझे ऊपर जन्नत में मिलेगी, वो औरत होती है अपना सोना दे देती है, अच्छा चलो यार अच्छा उसे सोने की, कोई बच्चा हमारा तो खिलौने ले आते हैं, चलो खिलौने की नांदी होगी, तो इस तरह से। अब ये कि जो नांदी में लोग होते हैं ना वो कारोबारी होते हैं, कोई कपड़े वाला होता है कोई खिलौने वाला होता है, तो वो लोग आइडिया लेते हैं उससे, अच्छा ये कितने की चीज होनी चाहिए, और फिर विद टाइम इनको आइडिया भी हो जाता है कि इस चीज की ये कीमत है, यू नो अब रोज कर रहे हैं वो लोग 4-5 दिन, कमर तो उनको भाई आइडिया हो जाता है एक कि बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट जहन में आया, इजिप्शियंस अपने मुर्दों को जब दफनाते हैं तो उनके साथ उनकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें भेजते हैं, उनके साथ पैक कर देते हैं कि इसको हाँ, आखिर भेजते में हैं जाके उसकी मदद होगी, और भेजते हैं। इस्माइली जब नांदी दे रहा होता तो उसके जहन में ये होता है कि ये आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे ये दुनिया की चीज। नहीं, जो मर गया ना उसके रिश्तेदार ले आते हैं, जिसरा अगर किसी की हाँ मदर की डेथ हुई तो वो बोलता है नहीं यार ये चीजें ले आऊंगी, सोना वोना इसका बचा हुआ सोना, इसका जो बचा हुआ सोना है तो वो उसको ऊपर मिल जाएगा। अब नहीं, ऐसा तो नहीं है अम्मा ना जो है कोई, वो ऊपर भी हाँ पहन हाँ लेगी, हाँ कि अब मेरी मेरी अब्बा माँ का पहन सोना है लेगा। वो नांदी करवा दो तो उसको ऊपर मिल जाएगा, ओहो तो हर कोई अपनी चीजें तो
जाते हैं तो ये लोग फिर ज्यादातर ऐसे स्माइली बोलते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट है कि दे दो तो इनको ऊपर मिलेगा, तो वो दे देते हैं। अब वो बेचारे ये भी नहीं सोचते कि इसकी वसीयत का क्या कानून है, वो फिर बेचारे नांदी दे देते हैं। तो ये तो एक हाई एंड की नांदी होती है, फिर नांदी से पहले मेमानी होती है, सबसे पहले मेमानी की नांदी होती है कि मौलाना हज़रत इमाम की मेहमानी, मेहमानी तो वो स्पेशल होती है। हाँ कि सबसे हाँ मौलाना हज़रत इमाम की मेहमानी जिसका ये बस मौलाना हज़रत इमाम दीन और दुनिया में देंगे, इस तरह कह के ये लोग फिर नांदी करते हैं। सबसे पहली नांदी तो फिर वो थोड़ी स्पेशल दूध का जग होता है जिसमें बादाम पिसते होते हैं, वो दूध की नांदी होती है तो उसकी बोली लगती है। फिर एक मजलिसों में इनकी बोली लगती है, जैसे 13 दिसंबर है तो 13 दिसंबर में बहुत बड़ा फ्रूट का टोकरा आएगा, तो वो तो बहुत स्पेशल 13 दिसंबर की एक जमात खाने में बहुत बड़ा फ्रूट का टोकरा आएगा। फिर मजलिस के दौरान ही जो है ना उसकी नांदी होती है वो तकरीबन 3-4 लाख की जाती है, क्योंकि वो सिफरा होता है स्पेशल जो इमाम को गिफ्ट कर रहे होते हैं उस मजलिस का। 13 दिसंबर में एक स्पेशल सुफरा बनता है, उसमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी बोली पूरी जमात लगाती है। अब वो जिस तरह अमीर अमीर लोग होते हैं ना जिसके बहुत बड़े बड़े कारोबारी, जिस तरह ये या तो कोई मैरियट वाला हो गया या जिस तरह से मल्टी बिलियनर, फिर वो नांदी खरीदे, फिर वो आपस में लड़ते हैं तो वो ये 8-8, 10-10 लाख तक भी पहुंच जाती है ये नांदी। फिर उसका नाम होता है भाई फला बंदे ने ये 13 दिसंबर की नांदी लिया, फला बंदे ने 11 जुलाई की नांदी लिया, यानी दिखावा। हाँ लेकिन वो जाता सब मौला को, ये कि हम मौला को दे रहे हैं। अब 13 दिसंबर होगा तो बहुत सारे केक्स आएंगे, इतने केक्स आएंगे 13 दिसंबर को के जैसे ना जो खरीदेगा समझो केक बट रहे हैं, तो हर कोई केक लाता है, तो 11 जुलाई में अलग नांदियां होती हैं, तो इस तरह से ये लोग अपना पूरा सिस्टम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये सब चीजें फिलहाल बंद हो गई है कोरोना वायरस में, अभी न्याज भी बंद हो गया है, अभी छांटे भी बंद हो गए, अभी हाथ मिलाना भी बंद हो गया है। देखें अगर वाकई में अल्लाह का कानून होता तो इस तरह से चेंज नहीं होता, हमारी नमाज तो नहीं बदली ना, हमारी नमाज में तो रुकू सजदा सब इसी तरह है। लेकिन इनके इमाम अगर ये अल्लाह की तरफ से वाकई शाजुदीदार होता तो देखो वायरस में बंद हो गया ना शाजुदीदार बंद हो गया ना, तो एक सोचने की बात है कि ये देखें अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर दीन अगर हक इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। रसूल सल्लम को कहा कि आप इनकी ख्वाहिशात पे नहीं चलना, वही पे चलना। देखें अपनी विश पे कोई चलेगा कि रुकू खत्म कर दिया, कोई बोलेगा मैं बैठ के दुआ पढ़ लूंगा, तो प्रिंसिपल अगर खत्म हो जाएंगे तो दुनिया का निजाम खराब हो जाएगा ना, तो कुरान का प्रिंसिपल ही खराब कर दिया ना। अगर आप कहते हो कि तब्दीली हो सकती है, अब देखो हमने इनसे बहुत बहस की ना स्माइलियों से, ये कहते हैं तब्दीली हो सकती है, इमाम तब्दीली कर सकता है, लेकिन आप ये सोचें अगर इमाम तब्दीली कर सकता होगा तो कुरान का पूरा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। जो कयामत के किस्से हैं कि अल्लाह कह रहा है तुमने कुरान को क्यों नहीं माना, मुझसे बात नहीं करो तुमने कुरान को नहीं माना, फिर ये कुरान में कि जो कुरान को नहीं मानता हम एक जिन लगा देते हैं उस पर, एक शैतान लगा देते हैं वो उसको हराया रहा से रोकते रहता है जो कुरान को नहीं मानता रोकते रहता है। तो अगर हम ये चीजें कहते हैं कि कुरान बदल जाएगा तो फिर इस पूरा निजाम खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए इनकी ख्वाहिशात भी दीन नहीं चलेगा, रसूल सल्लम को भी बोला कि आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करो वही की पैरवी करो। तो इनको समझने की ये बात है कि तब्दीली जो करने का ये कह रहे हैं ना वो एक बिल्कुल ही बेवकूफ वाली बात है। अगर अकाउंटिंग कोई कर रहा है, अगर वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ही चेंज कर दे वो डेबिट क्रेडिट के, तो अकाउंटिंग तो तबाह हो जाएगी ना। तो इनकी ख्वाहिशात भी दीन नहीं चलेगा, ये इनको समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कमर भाई, आपने बहुत ही वैल्यूबल इनपुट दिया। रहीम बलवानी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं दोनों खवातीन को अलर्ट करूंगी, मरियम एंड हमारी बहन अनुषा को। पहले रहीम बनवारी भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था इसमें नांदी के कॉन्सेप्ट में कि इनका आगा खानी इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी है जो काफी बैकवर्ड जाता है कि पूछा गया कि ये नांदी क्यों की जाती है जमात खाने में, ठीक है, तो जवाब में ये बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनको भी लोग घरों से जो है खाना पहुंचाया करते थे। अच्छा ठीक है, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि हम भी जो है अपने घरों से खाना इमाम को देते हैं क्योंकि वो आले नबी औलाद अली है। कहां से लाते हैं ये लोग कहां से आते हैं ये लोग, कहां बड़ी मनगढ़ंत बातें होती है इनकी और कहीं से भी जो है ये बातें जो है वेरीफाई नहीं की जा सकती, नहीं की जा क्योंकि कहीं पे मौजूद ही नहीं है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने घर में रखा हुआ भी जो खाना खजूर होती थी वो गरीब को दे देते थे, लेकिन यहाँ पे तो जो गरीब के नाम पे जमा, हाँ, और यहाँ पे जो गरीब के नाम पर चीजें जमा हो रही हैं, आप सोचें कि पैसा पकाने वाला कोई और, खरीदने वाला कोई और पैसा जा रहा है आगा खान की तरफ, तो ये तो बहुत ही गलत लूट खसूट हो रही है। मुझे तो इसका मतलब आई डोंट नो कि इनका इनका दिमाग क्यों नहीं इस चीज में चलता कि कितनी बड़ी यहाँ पे एक पॉलिटिक्स और सब कुछ चल रहा होता है। मुखी और कामड़िया के लिए भी मैंने मरियम सिस्टर से पूछना था कि और रहीम भाई आप तो खुद कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, मैं आपसे भी रहनुमाई चाहूंगी, ये अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, ये जो लोग खड़े हुए हैं और अपने आप को बड़े कोई साहूकार समझ रहे हैं और लोगों के पैसों चीजों की बोलियां भी लगा रहे हैं, दाम भी ये सेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उठा उठा कर दे रहे हैं, इनको चूज कौन करता है और ये इतने पावर में आने के बाद क्या इनका रवैया किस तरह का होता है? पहले मैं मरियम से पूछूंगी। जी मरियम। जी सिस्टर, मुखी कामड़िया की अपॉइंटमेंट्स जो होती है वो जो एक्स मुखी कामड़िया होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो नाम भिजा देते हैं यहाँ से लिख कर, और उसमें पॉलिटिक्स होती है, वो फिर टिक करके भेजते हैं कि हाँ इनको ये सेलेक्ट करना, लेकिन ये कहा जाता है कि ये ना बाबा की तरफ से यानी आका खान हाजिर इमाम की तरफ से ये अपॉइंटमेंट्स हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर पूरी पॉलिटिक्स होती है, यहाँ से सारा टिक किया जाता है कि इसको बनाना है नेक्स्ट मुखी और मुखी कामेडिया, तो फिर उसी तरह से इनको सेलेक्ट करना बोल के फिर उसी तरह से इनके नाम आते हैं, और फिर यह होता है कि इसके बाद कमेटियों की जो तोड़ी वाले होते हैं जैसे पांच बरसल है, चांद रात है और बैतुल ख्याल है, उनके भी नाम इसी तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी यहाँ से टिक किए जाते हैं और फिर वहां से नाम आए इस तरह से बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है, यानी जो मुखी कामड़िया के रिश्तेदार है या फिर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है रिच पीपल होते हैं इनको चूज किया जाता है, इसमें पुअर पीपल का कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल कोई काम नहीं होता, यानी कि पॉलिटिक्स मुखी कामड़िया नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग के, वो सोच भी नहीं सकते कि हम बन सकते हैं। उसी तरह से फिर जो ये वॉलंटियर्स के जो होते हैं, वॉलंटियर कोई भी बन सकता है, लेकिन वॉलंटियर के जो लीडर्स होते हैं ना वो लीडर रिच पीपल ही बनते हैं, अमीर लोगों की ही अपॉइंटमेंट हो सकती है। हाँ, अमीर लोग ही बन सकते हैं, गरीब नहीं बन सकते, और फिर वहां पर भी यही पॉलिटिक्स होती है, अब जब जिसके हाथ में पावर आएगा तो फिर उसका तो एटीट्यूड ही बदल जाएगा, फिर वो अपनी मनमानी सारी पूरी करते हैं, जिसको जो मनमानी करना है कर सकते, उसके अगेंस्ट ये है कि जो भी अमीर आदमी है वो उसका अगेंस्ट कर सकता है, लेकिन गरीब तो कुछ भी नहीं कर सकता, सारे जो भी रूल्स होते हैं वो सारे गरीबों के लिए होते हैं, अगर रूल कोई भी रूल अमीर तोड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई गरीब जो होता है वो रूल नहीं तोड़ सकता इनका, तो ये इस तरह का इनका रवैया होता है। जी सिस्टर। ठीक रहीम भाई, एक अनकरीब जो मेरे मुझे माशाल्लाह मरियम सिस्टर ने एक आइडिया दिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी होगा, कमेटी से, क्योंकि कमेटी जो इनकी इस्माइलियों की कमेटियां होती हैं आगा खानियों की, उसके लिए तो आगा खानी खुद भी बड़ा बेजार बैठा हुआ है, जो वहां पर एक किस्म की नाइंसाफियां हो रही हैं आगा खानियों के साथ, उस पर अनकरीब प्रोग्राम तो बनेगा, लेकिन ये कमेटियों की सिलेक्शन और इसके अंदर जो एक पॉलिटिक्स चलती है और उसका जमात खानों के अंदर जो चीजें इफेक्ट करती हैं रोजमर्रा के दिनों में, उसके लिए जरा एक दो मिनट में बताइए, टाइम बड़ा शॉर्ट है लेकिन हम प्रोग्राम को कवर करना चाहेंगे जमात खानों के लिहाज से। जी रहीम भाई। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी बहन ने बताई जो भी बातें वो बिल्कुल दुरुस्त बताई, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, पर इसमें मैं कुछ ऐड ये करूंगा कि जितने भी इनके जो मजलिसें होती हैं उनके मजलिसों के जो मुखी कामड़िया होते हैं उनकी ये सिलेक्शन और जितनी भी इनकी टीम्स होती हैं, जैसे ये नादी करते हैं तो इसकी एक अलग कमेटी है, ठीक है, और मजालिस के जो मुखी कामड़िया हैं मुखियाणियां हैं इन लोगों की एक लिस्ट बनती है इन्हीं के जमा खानों से, वो लिस्ट बनकर फिर ये लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं वो उस लिस्ट को काउंसिल में, ठीक है, इनकी काउंसिल बनी हुई होती है, उस काउंसिल में जाती है, उस काउंसिल से फिर आगे इनकी नेशनल काउंसिल में जाती है, नेशनल काउंसिल से आगे जाके वो लिस्ट ये लोग फॉरवर्ड करते हैं इनके इमाम को, ठीक है, और समटाइम्स इनके इमाम में भी खुद साइन करते हैं या उनके सेक्रेटरी साइन करते हैं, बट उनकी सिग्नेचर होती है, ठीक है, सिग्नेचर, बट वो सारे लोग सिलेक्ट इन्हीं के हुए हुए होते हैं, क्योंकि इन्हीं ग्राउंड लेवल पे जो लोग मौजूद होते हैं उन्हीं को पता होता है कि कौन पैसे वाला है और कौन गरीब है। हमने अपनी जितनी भी जिंदगी गुजारी इस इस्माइलीज़म के साथ, तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई गरीब बंदा
या किसी गरीब का बच्चा, किसी गरीब का बेटा या बेटी किसी भी काम काज के अंदर आगे आए हों सिवाय वॉलेंटियर वर्क के, ठीक है, जो वॉलेंटियर होते हैं, जो ड्यूटीज देते हैं, उनके अलावा दूसरे किसी भी काम के अंदर कोई गरीब इन्वॉल्व नहीं होता। इनकी जब दीदार वगैरह भी होता है, हाजिर मामी यहाँ पर आते हैं ना, तो होता ये कि हमारे तो रिश्तेदार काफी काम करते थे ना, तो जब ये खाना वाना लेके जाना पड़ता है ना, तो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो यहाँ हम सबके आसपास होते हैं, तो जब ये छोटे लोग जो काम करते हैं वो जा रहे होते हैं तो इनको भगाते हैं, निकालो इनको यहाँ से, इनको भगाओ यहाँ से, तो जो जितना डोनेशन देता है, जितना पैसा देता है उसको आगे लाते हैं। फिर ये लोग मुखी कामड़ी की इज्जत बहुत करते हैं, तो जो एक्स मुखी एक्स कामड़िया होते हैं इनका आपस में ग्रुप होता है, इनकी गैदरिंग होती है, तो ये लोग कभी भी छोटे इस्माइलियों को आने नहीं देते उसमें, वो आएंगे भी ना उनको जलील करके भगा देंगे, इनकी ये होती है। तो ऊपर ऊपर ये लोग ने अभी अपना कार्टेल बनाया हुआ है, एक जिस तरह से पैसे जमा करता है, जो इनके पैसे सब जमा खानों में जमा होते हैं, वो एक एक यहाँ पे इदारा है वहाँ पे वो लोग जमा करते हैं, तो एक वो अलग कमेटी जो पैसे जमा करती है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं ना ऊपर, इनको सब पता होता है कि पैसा किस तरह भेजना है, क्या करना है, तो कभी भी ये छोटे लोगों को आने नहीं देते। तो सारा पैसे का गेम है, जिसके हाथ में पैसा है वो हर चीज संभालता है, बाकी ये लोग छोटों को भगाते। फिर इनमें टाइटल्स है, वजीर का टाइटल दिया है, आली जगह टाइटल दिया है, तो जिनको टाइटल मिलते हैं उनकी इज्जत हो जाती है, मुखी कामड़िया की इज्जत हो जाती है, तो ये पूरा ग्रुप ऊपर बन जाता है जो कि लीड कर रहा होता है, और छोटे से लोग खाली मेहनत कराते हैं इनसे और फिर इनको भगा देते हैं। जब दीदार का टाइम होता है तो ये लोग सब खुद आगे होते हैं, और जो आम स्माइली होते हैं ना उनको ये लोग बोलते हैं भाई भगाओ इनको। ठीक हमें जो है ना वो एक इस्माइली आगा खानी भाई ने भी ज्वाइन किया हुआ है, अजीज उनका नाम है, स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ प्रोग्राम को एंड करना है, क्योंकि जो टॉपिक है उसी पर रहते हैं, उसके बाद फिर हम अजीज भाई से भी बात करेंगे, क्योंकि खुद वो जमात खाने के अंदर अभी भी जाते हैं और जितनी भी चीजें हमने दिखाई हैं उसको वेरीफाई वो ही कर सकते हैं, हम तो अब वहां पर नहीं रहते। अजीज साहब आप जरा स्टे ऑन, अब जाइएगा नहीं। मैं मरियम से गुजारिश करूंगी कि मरियम अब स्पीड में जो है वो जरा बताइए कि अब आगा खानी ने जब बाहर निकलना है तो अपने साथ क्या लेके निकलता है। जी सिस्टर, पहले मैं ना ये न्यास को कवर करूंगी, जिस तरह से मतलब ये न्यास पीते हैं, तो जो न्यास का जो पाठ होता है वहां पर प्याले भी रखे जाते हैं पैसे डालने के लिए, वहां पर पैसे डालते हैं बंदे और फिर वो न्यास पी लेते हैं, और उसके बाद जो शुक्रीत बाजू में होता है वो लेते हैं। अच्छा ये होता है कि लेडीज क्या करती है, बोतलें भर भर कर भी न्यास लेकर जाती है घर पे। हाँ वो इसलिए क्योंकि सारे जेंट्स तो नहीं आते हैं ना जमात खाने, तो फिर वो उनके लिए बरकत लेकर जाती है न्यास की। अच्छा ये न्यास जो होता है, न्यास शुक्रित जो एक्स्ट्रा जो भी चूरे होते हैं मजालिस के वो, या फिर नांदी जो भी जमात खाने के अंदर दिया जाता है, ये सिर्फ इस्माइलियों के लिए खास होता है, ये नॉन इस्माइली के साथ शेयर नहीं किया जाता। चाहे आपने देखा कि रास्ते में कोई गरीब आदमी है और वो भूखा है और आपके पास नांदी रखी हुई है, तो आप उस नांदी को किसी नॉन इस्माइली को, गरीब को नहीं दे सकते, क्योंकि ये बरकत होती है, तो ये शेयर नहीं किया जाएगा। ये बरकत सिर्फ इस्माइलियों के लिए ही होती है। उसके बाद एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से सिस्टर ने कहा था कि एक ही हॉल होता है, वहां पर एक तरफ लेडीज होती है एक तरफ जेंट्स होते हैं, लेकिन होता यह है कि जमात खाने के अंदर सेपरेट ये होते हैं, लेकिन जैसे ही जमात खाना खत्म हो जाएगा, जमात खाने से बाहर निकलेंगे, उसके बाद कोई भी पर्दा, कोई लिहाज, कोई किसी से लेना देना नहीं है, सब लोग मिक्स गैदरिंग होती है, कोई भी किसी से मिल सकता है। और वेस्टर्न में तो ये, वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये होता है कि गाल से गाल लगा लो, मिल लो, हाथ मिला लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, सब एकदम फ्रीडम होता है सारा कुछ, अंदर जो होता है थोड़ा बहुत लिहाज रखा जाता है। इसके बाद जो न्यास का मामला है, तो मतलब ये होता है कि बड़ी बड़ी जमातें होती है, तो वहां पर ये होता है कि अभी जेंट्स कम आए हैं जमात खाने के अंदर जॉब की वजह से, और लेडीज ज्यादा हो गई है। अब लेडीज की लाइन लंबी लंबी होती है, तो वॉलेंटियर्स क्या करते हैं कि अभी मुखी साहब की तरफ लाइन खत्म हो गई है, आप लेडीज जाओ मुखी साहब के पास, और आपको मुखी साहब के पास तो कराना है, और वहां पर जेंट्स में ही आपको न्यास लेना है। तो हाँ इस तरह से होता है। और जिस तरह से लेडीज के साथ हम तौबा तौबा कराते हैं, तो हाथ में हाथ मिलाकर जिस तरह से करते हैं ना, उसी तरह से फिर यहाँ पर जेंट्स मतलब मुख्य साहब तो जेंट्स होते हैं, तो उनके भी हाथ से हाथ हमें मिलाना होता है। अच्छा जी,
कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई लेडी इस्लाम कबूल करने के लिए बैयत लेने के लिए आती थी तो उन्होंने कभी भी लेडी का हाथ को छुआ तक नहीं था, और यहाँ तक कि एक कपड़ा दोनों के दरमियान होता था और कपड़े का एक किनारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होता था और एक किनारा वो लेडी के हाथ में, खातून के हाथ में होता था, और फिर इस तरह से बैयत होती थी। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी औरत को छुआ नहीं था अपनी बेटी और अपने वाइफ के अलावा। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर मुखी साहब का के हाथ से हाथ मिलाएगी लेडी और फिर इस तरह से तौबा तौबा कराएगी। यानी मतलब तौबा तौबा कराने का मकसद ये है कि तुम अपने गुनाह की तौबा करो और माफी मांगो, लेकिन यहाँ पर गुनाह लेकर जा रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। कि यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इजाजत हो तो, कि बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। और दूसरा ये कि कुछ लेडीज के अंदर ये चीज भी, ये कॉन्सेप्ट भी है कि इनका जो मुखी है, क्योंकि चूंकि उसको जो है इमाम का, इनके आगा खान का राइट हैंड माना जाता है, तो वो लोग क्या करती हैं कि जब इनको दुआ करवानी होती है या खरीदनी होती है तो वो मुखियानी की जगह मुखी से जाके लेते हैं। वो उनका सेंस ये होता है कि वो इमाम का जो है राइट हैंड है, तो उससे लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ओहो, यानी उसके पे हाथ भी चूम लेते हैं, जैसे कि मुझे अभी एक स्क्रीन पर कमेंट दिखा कि मुखी साहब के हाथ भी चूम लिया करती हैं औरतें। बिल्कुल बिल्कुल, चूमा जाता है। ओहो ठीक है, जैसे हमारी बहन ने कहा ना मरियम ने, कि जाते तो इबादत करने हैं लेकिन गुनाह ही साथ लेकर आते हैं। अजीज भाई बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। अजीज भाई बिल्कुल हम आपको मौका देंगे, और बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में आए हो और कुछ कहना चाहते हो। मरियम सिस्टर मेरे ख्याल से आपके जो था आपके पास पॉइंट है वो कम्प्लीट हो चुकी, इजाजत है आपकी तो हम आगे प्रोग्राम को एंड करें। जी जी बिल्कुल डन, आई एम डन। सिर्फ एक हदीस में शेयर करना चाहूंगी, मफहूम है, वर्ड टू वर्ड तो मेरे पास नहीं, लेकिन मफहूम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि कोई भी मतलब औरत को आप छुओ उससे बेटर है कि आप अपने सर के ऊपर सलाख डालो। इस तरह की कुछ डालो, इस तरह की कुछ हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और यहाँ पर मतलब औरतों का मर्दों का कुछ भी पर्दा, ये कुछ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि कुरान में क्लियर है कि औरतों के लिए पर्दा है, सारी कुछ चीजें मेंशन की गई है, लेकिन यहाँ पर कुरान से कोई लेना देना नहीं है इस्माइलियों को। ये सिर्फ नाम के मुसलमान कहते हैं लेकिन मुसलमान होते नहीं है। नहीं मैं वही स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि देखे मर्द औरत लड़के बच्चे पीछे मर्द सब मिलकर ये सब अपनी दुआ पढ़ रहे हैं, कुछ आग भी रोशन हो रही है। सलमान करीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल सलमान करीम भाई अजीज भाई से बात करना चाहेंगे। आखिर में चंद बातें ये। हेलो इलीना, मैं जमात एक जमात खाने के बारे में ऐड कर दूं इनकी किताब में। इनको क्या पढ़ाया जाता है जमात खाने के बारे में? ये जो नेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लोग उनको समझाते हैं कि देखे जमात खाना मस्जिद से ज्यादा ऊपर है, अफजल है। हाँ। ये लोग कहते हैं जमात खाना ज्यादा अफजल है। इसका ये लोग इस तरह से लॉजिक निकालते हैं, ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर तो इमामों को बुरा बुरा बोला गया, कि माविया ने हजरत अली को मस्जिद के अंदर बुरा बोला, और है ना, फिर ये कहते हैं कुरान में एक मस्जिद ज़रार है उसको गिराया भी गया, सही है ना। तो ये कहते हैं हमारा जमात खाना तो इमाम का घर है, यहाँ पे इमाम को कोई भी बुरा भला कह नहीं सकता और हमारे जमात खाना को गिरा भी नहीं सकता, सही है ना। तो फिर ये कहते हैं कि ये वो जमात खाना है जिसमें जो सूरह नूर की आयत लोग ले आते हैं कि जमात खाना वो है जिसमें अल्लाह का नूर होता है, जो सूरह नूर की आयत है कि वो घर है जिसमें अल्लाह का नूर होता है, तो बोले जमात खाना है। तो इस तरह से ये लोग करके अपने जमात खाने को मस्जिद के ऊपर दिखाते हैं, और ये कहते हैं कि ये इमाम का घर है, मस्जिद में तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मस्जिद से इमाम का कोई ताल्लुक नहीं है, मस्जिद तो वो जगह है जहाँ इमाम को बुरा भला बोला गया। तो इस तरह से लोग अपने लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। कमर भाई आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने इनका ही किताब से, नसीरुद्दीन उनजाई की किताब से दिखाया था कि जहां वो ये कहता है कि काबतुल्ला जो है वो आसमान पर है और जमीन पर बैतुल्ला यानी उसकी जो असल शक्ल है वो जमात खाना, यानी कि बैतुल्ला से भी ये लोग मिलाते हैं। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजीज भाई मौजूद हैं, अजीज भाई से बात करते हैं, जमात खाने के प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि अजीज भाई हमारी जो बातें हैं उनसे कितना कदर ये कहते हैं कि हमारी बातें सही थी। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई। जी अजीज भाई, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं?
I'm from Afghanistan, but I'm right now living in Canada. Okay, so what do you want to say about this program? You have listened completely. Yeah, I know, but the thing is, you guys have to first understand what is Ismaili, what is Sunni, what is Shia. Where was the first division? What happened? No, sir. We are just about right now the Jamaat Khana. And if you wish to talk about Jamaat Khana and you want to say something about Jamaat Khana, then we are allowing you to talk. But we are not going into that debate of Shia and Sunni. Of course not. The today's program is about Jamaat Khana activity. No, but thing is like okay, listen. You guys talk whatever you guys want, but the thing is, you guys have to know why we're different. Where that division happened, why it happened? Then there's 1400 years passed. In this 1400 years, like people live, traditions changes. Like when we were living in Prophet Muhammad's time. We are not exactly living right now. So 1400 years passed. Within this 1400 years, so many things happened. But if you want to know... But can you give me one simple example of any imam which he has worshipped the fire, like the video I'm showing? They are... This is rubbish. This is rubbish. Jamaat Khana. These people This is rubbish. Okay, these are like the northern Pakistan and the northern Pakistan and Tajikistan's. It's their tradition. It has nothing to do. So the Imam is not doing this. There is one Imam, but you have so many firqas within your Agha Khani Mazhab. Your Imam is not guiding them properly. What you are trying to say? Well, the Sunnis are only one. There's Hanafi, Hanbali, Maliki, Shafi. None of them worship their imams. Nobody is worshiping a human. I'm from Afghanistan. In Afghanistan, there's 1,000 branches of Sunnis. But how do you pray in Imam? I lived in Pakistan. There's 1,000 branches of Sunnis in Pakistan. Okay, there's so Deobandis, let me conclude now. Mr. Aziz is trying to have a debate on Shia, Sunni, and their division. So let me complete this program because he is not talking about this particular topic. Mr. Aziz, you wait for a second. I'll get back to you. One of our panelists will talk to you about the topic you want to discuss. Jamaat Khane pe discussion hamari jo hai wo aaj ki khatam karte hain. Jamaat Khane ki activities par Aziz sahab ke paas koi जवाब नहीं है. आग की पूजा हो रही है, औरतें और मर्द साथ मिलकर बैठे हैं, औरत और मर्द जो है वो जिस तरह की इबादत कर रहे हैं, कहीं पर भी इस्लाम में इस तरह की इबादत नहीं होती. आप लोग स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए, तमाम चीजें वो दिखाई जाती हैं जो कि मुशाहबत करती हैं हिंदू मजहब से, जो कि मुशाहबत करती हैं क्रिश्चियनिटी से, यहूदियों से भी, सितारा परस्त आतिश परस्तों की जो इबादतें हैं उससे. मर्द और औरत के लिबास आप देख सकते हैं, पेटीकोट और ब्लाउज में जो है वो औरतें दुआ पढ़ती हैं और उसी तरीके से वो झुक कर मुखी कामड़िया के हाथ तक चूमती हैं. क्या ये इस्लामी तरीका है? क्या इस तरह की इबादत इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस करवाई? क्या ये इस्लाम के खिलाफ नहीं? ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में दिखाई गई. जमात खाने में क्या कुछ होता है ये भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं. ये तमाम फुटेजेस वो हैं जो कि जमात खाने के अंदर से लिए गए हैं. कोई भी आगा खानी इसको डिनाई नहीं कर सकता. अगर डिनाई कर सकता तो उसका टॉपिक आज का यही होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे डिविजन्स की बात आ रही है, यहाँ पे फिरकों और सेक्ट की बात हो रही है. स्क्रीन पर मुलाहिजा कीजिए, जिस तरह सितारा परस्त और जो पारसी जिस तरह की टेबल सजाते हैं नवरोज की, इस तरह की हैप्पी बर्थडे मनाई जा रही है, कपड़ों की नुमाइश होती है, इबादत के नाम पर नाच गाना जो भी आप लोगों के सामने अभी दिखाया गया, वो इबादत भी जिस तरह की है वो भी आपको कुरान और हदीस में नहीं मिलेगी. मैं अपने पैनलिस्ट से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको अभी कुछ कहना है तो हमारे प्रोग्राम खत्म होने से पहले दे. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट मौजूद हैं. नूरुद्दीन भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है. इसके अलावा हमारे पास जहरा गोविंद जी हैं, जहरा से भी हम इनपुट लेते हैं और आप सबसे जो है वो एक गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को मजीद शेयर कीजिए. जो लोग आगा खानी मजहब के बारे में नहीं जानते उनके लिए एक इस तरह का जरिया है कि हम खुद आगा खानी रह चुके हैं. अजीम भाई से आगर में गुजारिश करेंगे. अजीम भाई अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. अजीम भाई आखिर में एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से चाहिए हमारी आगा खानी जमात के लिए. देखिए
ये सारी चीजें सुनने के बाद, और हम तो इसमें से गुजरे हैं, उसके बाद एक चीज का पता चलता है कि थोड़ी देर के लिए अगर मान भी ले हम कि भाई जमात खाने में औरतें भी आती है, मर्द भी आते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको जायज भी मान ले, लेकिन एक बुनियादी चीज जो हर इस्माइली को, हर आगा खानी को समझने की जरूरत है, वो शिर्क है। कि अल्लाह ताला जो है इन सारे गुनाहों को अगर वो चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन जो ये शिर्क करते हैं, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाते हैं, ये अल्लाह को बिल्कुल हरगिज हरगिज और हरगिज मंजूर नहीं है। और इसकी जगह जो है सिर्फ और सिर्फ दोजख की आग है, बेशक इसकी जगह सिर्फ दोजख की आग है। और ये इस्माइली हजरात जो है वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं, इनको जो इतना गुमराह किया जाता है। हर इस्माइली से मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी दिल की आंखों को खोलकर जो है इस मेरी बात को सुने कि आप लोग जो कर रहे हैं और आप लोग जो अपनी दुआओं में पढ़ रहे हैं, कम से कम उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको अल्लाह ताला जो है सिरातुल मुस्तकीम बता देगा। जो दुआ पढ़ते हैं, कभी आपने अपनी दुआ के ऊपर गौर नहीं किया कि आप दुआ के अंदर पढ़ते हैं कि सूरह फातिहा के अंदर सबसे पहले पाठ में पढ़ते हैं कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे आप अल्लाह को एक कमिटमेंट करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे और सिर्फ तुझी से मदद चाहेंगे, लेकिन दुआ खत्म होने के साथ में आप जो है अल्लाह के अलावा इमाम के पास दुआ मांगने लगते हैं, ये अल्लाह के साथ इससे बड़ा शिर्क क्या हो सकता है। आप एक दूसरे को मिलते हैं तो कहते हैं कि या अली मदद, सामने वाला कहता है मौला अली मदद नाउज बिल्ला, तो आप अल्लाह को छोड़कर अली की मदद मांगते हैं, इससे बड़ा शिर्क क्या हो सकता है। तो मेरे भाई ये बस एक ही मैं दर्द के साथ में एक ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग जो है अपनी दुआ के तर्जुमे को देखे, उसके ट्रांसलेशन को देखे, और उसके बाद जो है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी एक्टिविटीज के अंदर जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उसको हम करते हैं उसके साथ में उसको कंपेयर करें, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि दुनिया की जिंदगी जो है वो एक ही बार मिलने वाली है, मरने के बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा कि आदमी जो है अपनी जिंदगी का करेक्शन करके आ जाए। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि थोड़ा सा दिल की आंखों से सोचे, दुनिया की जिंदगी एक ही बार है, दूसरी बार ये जिंदगी नहीं मिलने वाली है। मरने के बाद अगर अल्लाह से हम कहेंगे कि मुझे एक मौका दे दे, मैं वापस जाकर जो है मैं पलक झपकने तक तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको मौका नहीं देगा। जब तक सांस है तब तक चांस है, सांस खत्म चांस खत्म। बस मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, बाकी आगे कंटिन्यू करिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सांस है तो चांस है। जो फुटेजेस आप देख रहे हैं ये किसी की शादी के फुटेजेस नहीं, ये जमात खाने की तरफ इस्माइली जमात जा रही है। अल्लाह सुबहान ताला ने भी हमें दूसरी कौमों की मुशाहबत से मना किया। और एक और बात जो हदीसों में आती है वो ये है कि जो जिस कौम की मुशाहबत करेगा कयामत वाले रोज वो उसी के साथ उठेगा। तो जो लोग इस तरह से अपनी इबादत गाहों में जाते हैं वो अपने आप से सवाल ये करें कि कयामत वाले रोज वो मुसलमानों के साथ उठेंगे या वो हिंदू क्रिश्चियंस यहूदी ईसाई इनके साथ उठेंगे, क्या करेंगे। सलमान करीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छा इनपुट देते हैं। मैं सिर्फ चाहूंगी कि सलमान करीम भाई को मैं आखिरी के 5 मिनट दूं ताकि वो जो हुंजा और चित्राल के जमात खानों का हाल है वो भी आज के प्रोग्राम में ना रहे और वो भी शामिल हो जाए और उससे खाली ना हो। सलमान करीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा क्विकली हुंजा चित्राल गिलगित के जो जमात खाने हैं उनके हाल बताइए, क्योंकि हमने तो इंडिया और बाहर मुल्क के तो बता दिए। जी हाँ, इन बातों को सुन के मुझे लगा कि शायद ये डिफरेंट है। ये जो हमारे चित्राल में जो हो रहा है ना, चित्राल में जो जिस तरह ये जो खाने की बात हो रही थी, ये क्या लाते हैं खाने का, हमारे एक तरफ नांदी कहते हैं ना उसको, जो घर से खाना बना के लाते हैं, ठीक है। तो हमारे उसमें इस तरह होता है कि एक जमात खाना होता है, ठीक है, एक उसके साथ एक कमरा होता है, उसको लंगर कहते हैं ये लोग, लंगर। हाँ लंगर कहते हैं। तो सबसे पहले नमाज जो दुआ के लिए आते हैं ना, उससे मेरे ख्याल से आधा घंटा या घंटा पहले आते हैं ये लोग। पहले आके लंगर में जाते हैं और लंगर में जाके क्या करते हैं, वो जो चाय लाते हैं, जो केक अपने लाते हैं, जो सालन लाते हैं वो खाते हैं पहले। गपशप लगा हम भी लगाते थे, ठीक है। तो पहले वो खाते हैं, उसके बाद ये करते हैं क्या है, उसके बाद ये खा शोल मेले करते हैं, उसके बाद जमात खाने को जाते हैं। जिस तरह इन भाई बहनों ने बताया, इससे हमारे जो चित्राल के जो सिस्टम ये बहुत अलग है। इनकी नमाज और इनकी जो रस्म रिवाज बहुत अलग है, ठीक है। और चित्राल में बहन सॉरी एक मिनट,
इट्स ओके इट्स ओके. हमें जो है वो मौलाना कासिम दानियाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, और मौलाना कासिम की इनपुट इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम का जो असल मग़्ज़ है, इस्लाम की जो असल खूबसूरती है, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हम आगाखानी होते हुए किया करते थे, इस्लाम में आने के बाद जो खूबसूरती हमें नज़र आई, मौलाना कासिम उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. मौलाना कासिम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वरकातुहु. माशाल्लाह, मैं प्रोग्राम शुरू से सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त, इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. देखिए, शुरू से आखिर तक जहाँ कहीं भी इस्माइलियों ने ये जो 1.5 इंच की अलग इमारत बना के जिसका नाम जमात खाना रख दिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खूबसूरत नाम को जो इबादत खाने के लिए अल्लाह सुबहाना व ताला ने मुंतखब किया था, मस्जिद कहकर कुरान मजीद फुरकान हमीद में 21 मरतबा डायरेक्टली मस्जिद का लफ्ज आया है, 21 मरतबा. माशा, इनडायरेक्टली तकरीबन इसके अलावा भी वह इमारत की तरफ इशारा करके जिक्र का, वहाँ नमाज का हुक्म उनको मिला है तो बहुत ज्यादा. लफ्ज मस्जिद कुरान मजीद में 21 बार आया है. कैसा आया है, चंद एक मैं पढ़ता हूँ. 21 आयात सारे तो नहीं पढ़ सकते हम जी. अल्लाह सुबहानहु ताला फरमाते, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें तो अल्लाह के लिए खास है, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, इसमें किसी और को मत पुकारो, इसलिए मस्जिद में भीख मांगना भी नाजायज है. अच्छा, कोई चीज गुम हो जाए मस्जिद में ऐलान नहीं कर सकते, फुकहा ने फरमाया कि इजाजत नहीं है उसकी. सूरतुल जिन आयत नंबर 18, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें तो सिर्फ अल्लाह के लिए, फला तदउ मअल्लाहि अहदा. सूरा तौबा में, लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक्वा. सूरा बकरा में, वमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, जो अल्लाह की मस्जिदों में जाने से रोके, वसआ फी खराबिहा, और मस्जिद की बर्बादी की कोशिश करे. इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये काफिर नजस है, गंदे है, बातिनी कुफर है इसके अंदर. फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम बाद आमिम हाजा, इस साल के बाद मस्जिद हरम के करीब ना आने देना. इसलिए खान साहब अगर अपना नाम लेकर हरम में जाने कोशिश करे, रोक दिया जाएगा उसको, एक हदूद से आगे जाने की इजाजत नहीं है उसको. लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक्वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूम फी, ये पढ़ते जाऊं आयतें तो ये 21 आयतें हैं मुकम्मल. तो देखिए ना, यहाँ पर अल्लाह सुबहानो ताला इबादत की जगह का नाम क्या ले रहा है, मस्जिद. जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ऊपर से वही लेकर आ रहे हैं मस्जिद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं मस्जिद 21 दफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे मस्जिद, सारी जिंदगी सहाबा किराम को लेकर मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा, सबसे पहले कुबा, फिर मस्जिद नबवी, मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद जुमा, मस्जिद हराम, ये सारी उम्मत मुस्लिमा पौने दो अरब उस वक़्त से 1,24,000 जो रसूलुल्लाह सल्लम के जाते वक़्त थे उसी मस्जिद में उसी अंदाज में चलते आ रहे हैं. यही इस्लाम है, यही दीन है, प्रैक्टिकली भी, रिवायतन, दिरायतन, नकलन, हर लिहाज से. लेकिन एक जमात 1.5 इंच की अलग इमारत बना के उसके लिए मुसलमानों से हट कर, निकल कर, खुरूज करके 1.5 इंच की अलग एक इमारत बना के उसका नाम जमात खाना करके, रुख उसका चेंज करके, किबले की तरफ पुश्ट करके बैठ के, जो टोपी ड्रामा रचा के उसको इबादत करार दे रहे हैं, जिसमें कांड छांड के कुरान की आयतें भी डाल दी, फारसी उर्दू हर चीज मिक्स कर दी, और उसमें भी इतने तजाद आ रहे, शुरू में कुछ कह रहे हैं, बीच में कुछ है, आखिर में अपने बात की नफी आ रही है, जिसमें एक शख्स से मांगा जा रहा है अल्लाह सुबहानहु ताला की उस मुकद्दस सस्ती जात को छोड़कर, एक शख्स से फरियाद, वो खुद मोहताज है चश्मे का, लाठी का, कोट का, बूट का, और हर लिहाज से वो मोहताज है, खाने का, पीने का, इतने एहतियात वाला शख्स जो अपने मुश्किल हल नहीं कर सकता है, उससे कहा जा रहा है कि तवस्सलु बिल मसाइबी इंदल हाजिर मौजूद शाह करीम अल हुसैनी. देखे ना कितने सरीह शिर्क है, कितना सरीह कुफर है. दीन को जो छोड़ता है फिर उसको अल्लाह तबारक व ताला इन रास्तों में उसको भटकाता है कि वो फिर आके अपने जैसे एक इंसान से
जो मोहताज इंसान है उसके आगे आगे सर झुकाता है, उससे मांगता है। भाई कुरान में सिर्फ इंसान इतना ही गौर करे ना, जो जो इबादत खाना हमारा है इसका नाम क्या है और जिसका जिक्र कुरान में है वो किधर है, उस उसको उसमें जाने वाले कौन लोग है। अकल दे अल्लाह तबारक व तआला, थोड़ा गौर फिक्र करे बस। ये एक बंदा हुआ है, एक बंदा था उसने कुरान पढ़ा, मस्जिद इधर मस्जिद उधर मस्जिद कुरान में आ रहा है, तो उसने कहा यार बस कुरान में जिस चीज का जिक्र इबादत खाने का मैं उधर ही जाता हूँ। तो देखिये ला हिदायत दे तो सिर्फ ये नाम ही कुरान में पढ़ना काफी है। एक बंदा न मानने पे आए, हम जितना भी गोल गोल के उसको बताए समझाए वो नहीं माने। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब करे, हमारी ये दुआ। आमीन सुम आमीन। ये मस्जिद वाला पॉइंट आपने एक तो 21 बार हमारी इबादत गाह का नाम अल्लाह सुभान तआला अपने साथ जोड़ते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह का जिक्र करो, इसमें अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। तो आपकी बात बिल्कुल सही कि हिदायत पाने वाले के लिए तो इतनी सी निशानी भी काफ़ी है। नूरुल्लाह भाई से गुजारिश करेंगे कि माशाल्लाह इनकी बहुत सारी वीडियो जमात खाने पर बनी है, इनसे भी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरुल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नूरुल्लाह भाई, जमात खाने का जो आपने अहवाल देखा सुना माशाल्लाह, इसके बारे में क्या कहेंगे और इसमें कुछ चीज कमी बेशी रह गई तो प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए कि जमात खाना जो है ना, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि जमात खाने का कोई जिक्र नहीं कुरान में, सबसे पहली नफी तो इधर ही हो गई। दूसरी बात यह है कि जमात खाना जो है ये कोई इबादत खाना नहीं है, बल्कि जमात खाना जो है ये, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये नुमाइश खाना है। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि मर्द और औरतें जो है, मर्द जो है जीन्स पैंट और जो है टी शर्ट वगैरह में, हाफ टी शर्ट में, कोई कोई जो है एक जमात खाने के, जमात खाने में नहीं जाते लेकिन घर में भी दुआ पढ़ते हैं तो वो बनियान में दुआ पढ़ते हैं, जमात खाने भी जाते हैं तो वो पूरे मेकअप में जाते हैं। लेडीज जो है जमात खाने में जेंट्स को देखेगी, जेंट्स लेडीज को देखेंगे और इस तरह से वहां पर जो है, और लेडीज और जेंट्स दोनों भी आपस में शाजो जिदार करेंगे, यानी कि आंख में आंख मिलाकर जो है, ना कोई पर्दा है बीच में ना कुछ है। उसके बाद आप देखेंगे कि जमात खाने के बाहर जब जमात खाना छूटता है, मजलिस से लोग घर पर जाने के लिए रवाना होते हैं, वहां पर सारे लेडीज जेंट्स जो है एक ग्रुप बनाकर जो है जमात खाने के बाहर अपनी अपनी जो है वो बातें करते हैं। अच्छा, कोई कोई हंसेगा, कोई हाथ से हाथ ताली मारेगा, कोई क्या करेगा, तो ये वहां पर जो है, और इनके सताड़े होते हैं ना, सताड़े इनके 7 दिन का सताड़ा होता है। 7 दिन के सताड़े के अंदर जब आप देखेंगे, नॉर्मली हिंदुस्तान में क्या होता है कि सताड़े के टाइम पर जो है ये लेडीज जेंट्स जो है सब आ जाएंगे और ऊपर सताड़ा चलता रहेगा जमात खाने में, बाकी नीचे आधी जमात नीचे होगी, ऊपर बहुत कम जमात होगी, बाकी सारी जमात नीचे होगी, आपस में बात करेंगे, हंसी खेल मजाक करेंगे, जमात खाने में जाने को तस्वीर नहीं, लेडीज जेंट्स दोनों। और इनके जमात खाने के बाहर जैसी अगर कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली होली और कुछ भी हिंदू का फेस्टिवल होता है, जैसी जमात खाना खत्म हुआ वैसे ये लोग बाहर भागते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, ये मैंने खुद देखा है। ये सारी चीजें होती हैं जमात खाने में, तो शिर्क तो होता ही है और नुमाइश भी होती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो खाना लेकर आते हैं जमात खाने के अंदर, वो खाना जो है ऑक्शन करने के बजाय, पैसों से ऑक्शन करने के बजाय उसको कोई गरीब को या कोई जरूरतमंद को दिया जाए तो दुआएं मिलेंगी। मैंने बहुत मर्तबा देखा है कि गरीब इस्माइली बेचारा, उसके पास पैसे नहीं नांदी खरीदने के लिए, वो जमात खाने से ऐसे ही चला जाता है बगैर नांदी के, बगैर खाने के, उसकी तरफ कोई, इसके तरफ क्यों ना कोई देखता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी जो पैसा, बहुत सारे गरीब इस्माइली हैं बेचारे, मैंने खुद आंखों से देखा है जमात खाने के अंदर, बेचारे वो वहां पर कोने में बैठे होते हैं, उसकी किसी की नजर उसकी तरफ, उनकी तरफ नहीं जाती, ऐसा क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? उसकी दिल में हाजत नहीं है? उसको भूख नहीं लगती? उसको प्यास नहीं लगती? ये नाइंसाफी क्यों है? तो ये थोड़े से पॉइंट्स में हाईलाइट करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत, ये पॉइंट्स नहीं है बल्कि ये जो भी आगा खानी अभी भी है वो ये महसूस कर सकता है कि गरीब जो कि नांदी के पैसे लेकर नहीं आता जमात खाने में, वो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो अच्छा खाना देखता होगा और उसका बच्चा कहता होगा कि अम्मी मुझे ये खरीद कर दो।
तो जिस जगह पर गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होता वहां पर बरकतें और इबादतें कैसे की जा सकती हैं। सलमान करीम भाई से बात करेंगे और इंशाल्लाह जहरा से भी देखेंगे, शायद वो मसरूफ नहीं हो। तो सलमान करीम भाई आपकी बात मुकम्मल। जी सॉरी, मेरी बात वो मैं अपनी जो माँ और अबू के लिए सोच रहा था ना, उसी दौरान आपने कहा कि आप थोड़ी सी बात करें, इसलिए मैं जो ना मेरी सांसें रुक गई थी तो इसलिए मसला हुआ था। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि हमारे चित्राल में जो हो रहा है, जो ये क्या कहते हैं नांदी, ये जो रोटी लाते हैं, जो सालन लाते हैं, पता नहीं ये हम भी खाया करते थे, और ये भी जो है ना अमीर लोग लाते थे और जो अमीर लोग होते थे वो खरीदते थे, जिस तरह बाजार में कोई चीज खरीदा जाता है इसी तरह, ठीक है। और एक बात इनसे हम मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं, चलो दो मिनट के लिए, लेकिन आप लोग शिरक ना करें अल्लाह के सिवा किसी और को, क्यों अल्लाह को पुकार के देंगे फिर चलो हम आपकी जो छोटे छोटे मसाइल है चलो उसको हम मान लेते हैं दो मिनट के लिए, बाकी जो अल्लाह को ही नहीं मानता एक बंदा, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता है तो उसकी नमाज का क्या होगी और उसका जो उसकी दुआ क्या होगी, ठीक है ना। जो अमल वो करेगा वो ज़ाया हो जाएगा, जबकि वो अल्लाह को मानता ही नहीं, अल्लाह के साथ शिरक करता है, अल्लाह को मानता है लेकिन उसके साथ शिरक करता है, ठीक है। आखिर में मैं कुरान की एक आयत आपको सुना देता हूँ, चलो उसके बाद आप लोग वो करें, आप मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला सूरह नमल आयत नंबर 62 में फरमाता है, अम युजीबुल मुत्तर इदा दुआ वयक्शिफुस्सू वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनता है कि वो उसे पुकारता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, ठीक है, मतलब कौन है जो उसके पुकार को सुनता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है, अगर अल्लाह के अलावा कोई और होता, अल्लाह के अलावा कोई और है कि उसकी दुआ को सुनता है और उसकी पुकार को सुनता है, ठीक है ना। तो अगर कोई और है तो आप उसके को अल्लाह के साथ इलाह बनाते हो, अगर और किसी को पुकारते हो मतलब ये कि आप उसको अल्लाह के साथ इलाह बनाते हो। तो अगर ये काम करने वाला अगर कोई है तो अल्लाह इलाहुम अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और है, कलील लम्मा तज़क्करून, आप लोग बहुत ही कम सोचते हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर आप ये करते हो तो आप बहुत ही कम सोचते हो, मतलब अल्लाह के अलावा कोई दुआ को सुनता भी नहीं है और कोई तकलीफ को भी दूर नहीं करता है। अल्लाह मतलब वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द, मतलब तुम्हें अगलों का खलीफा बनाता है, यानी आपके बाद आपके जो ना औलाद को, उसके बाद उसकी औलाद को खलीफा बनाता है। तो अल्लाह के अलावा कोई ये कर सकता है, नहीं कर सकता है। अल्लाह कहता है नहीं, अल्लाह सुभान अल्लाह ने एक तरह का चैलेंज दिया है, कोई और भी इलाह है, मतलब ये यहाँ दुआ की बात हो रही है, यहाँ दुआ और दुआ मतलब दुआ अरबी में दुआ कहते हैं, तो मतलब पुकारने को दुआ ही कहते हैं। जो ये पुकारते हैं इसका मतलब ये है कि ये पुकारना एक इबादत है, ठीक है ना। तो अल्लाह कह रहा है अगर इन कामों में अगर किसी और को पुकारते हो, मतलब मदद मांगने के लिए और औलाद की बात भी आ गई, औलाद मांगने के लिए अगर किसी और को पुकारते हो तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप उसको अल्लाह के साथ मतलब इलाह बना रहे हो। तो अइलाहुम अल्लाह कलील लम्मा तज़क्करून, मतलब अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है ही नहीं जो इन कामों को करने वाला हो, तो आप लोग बहुत ही कम सोचते हो, बहुत ही कम सोचते और सोचना चाहिए। बिलाल खानवानी भाई ने भी हमें ज्वाइन किया। बिलाल खानवानी भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई के शायद माइक म्यूट है। एक सिर्फ वाकया बयान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई एक बहुत ही रिसेंट एक वाकया जो है वो यूट्यूब पर मिलता है, और उसमें एक क्रिश्चियन है वो ये कहता है कि जब मैं अपनी क्रिश्चियन यानी अपनी चर्च में मौजूद था और वहां पे शोर शराबे म्यूजिक, और उसमें जो है उस म्यूजिक की लय पर जो है वो जीसस के सॉन्ग्स गाए जा रहे थे, कहता है एक किस्म की घबराहट हुई। मैं जब बाहर निकला तो मैंने चंद लोगों को मस्जिद की तरफ जाते देखा, मैं उनके पीछे चल पड़ा, कभी ये सब जा रहे हैं तो देखूं ये किधर जाते हैं, और मुझे भी तजस्सुस था। कहता है मैं जब अपने उस चर्च से निकल के उन मुसलमानों के पीछे चल पड़ा और मस्जिद में जाके बैठा, सिर्फ एक 5 मिनट में मैंने महसूस किया कि वहां पर कितनी खामोशी के साथ अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वहां पर कनेक्शन महसूस हुआ, वो शोर शराबा जो मेरे दिमाग को जो है वो माउफ कर रहा था और मुझे उसने उलझा कर रख दिया था, वो जो सुकून मैंने मस्जिद में आके महसूस किया। और उसके बाद वो कह रहे कि मैं उधर ही इमाम मस्जिद के पास बैठ के और मैंने कहा कि मुझे मुसलमान होना, क्योंकि मैंने सुकून महसूस किया। जमात खाने का भी माहौल जो है वो बिलाल भाई आप जानते हैं ऐसा ही होता है, शोर शराबा
हंगामा, मर्द औरत, और कहीं पैसे की बात हो रही है, कहीं पे स्टेटस की बात हो रही है, कहीं पर इबादत ऐसी हो रही है कि कहीं उसमें सुकून नहीं है। बिलाल भाई, ये सोचते क्यों नहीं कि मस्जिद में कितना सुकून है, क्या कहेंगे इनके लिए? माशाल्लाह, नहीं, बहुत सही कहा आपने माशाल्लाह, क्योंकि ये जो है ना ये एक सोशल गैदरिंग है और लोगों को इसी तरह अट्रैक्ट किया जाता है जमात खाने में। और जब अल्लाह माफ करे कि हम जब इस्माइली थे तो यही सोच कर जमात खाने में जाते थे कि अरे फ्रेंड्स मिलेंगे, फिर वी विल गो फॉर अ चाय, विल गो टू समबडीज हाउस, और वही जमात खाने में भी खड़े खड़े औरत और मर्द साथ में। और कितने ऐसे नाजीबा फिक्रे मैंने सुने हैं औरतों के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं, मगर हम उस वक्त गुमराह थे तो हम भी उनमें शामिल थे, बस अल्लाह माफ करे। और दूसरी बात यह कि मस्जिद में सुकून है, तो माशाल्लाह मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल वाकया शेयर करना चाहूंगा। मैं अपनी मदर जो इस्माइली थी, उन्होंने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे मस्जिद में आप ले जाएं एक दिन। तो उनका मेडिकल अपॉइंटमेंट था, मैं वहां ले गया, फिर मैंने बोला चलो अपन चलते हैं मस्जिद में। बिलीव मी, माशाल्लाह मेरी माँ के यही अल्फाज थे कि ये तो जन्नत का एक टुकड़ा है, कितना सुकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बस अल्लाह सब इस्माइली को हिदायत दे, आमीन, और हम सब कोशिश करते रहे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आपके आपके अल्फाजों का दर्द हम सबको महसूस हुआ, अल्लाह सुभान ताला हम सबको। जी जी, कमर भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। देख, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखें हर जगह इन्होंने सिस्टम अलग बनाया है ना। अब इस तरह अफगानिस्तान में अलग सिस्टम है, जिस तरह इन्होंने कहा लंगर लगता है, और ये कराची और बॉम्बे में अलग सिस्टम है, अच्छा ये ताजिकिस्तान में अलग सिस्टम है, और यूएस में अलग सिस्टम है, तो यूके में भी अलग सिस्टम है। मैं यूके के जमात खाने में भी गया हूँ, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या आगा खान साहब को ये सब जगहों के सिस्टम पता है? क्या आगा खान साहब को गिनान पता है कि गिनान कैसे बोले जाते हैं? मतलब अगर वो लीडर है तो जो जो इनकी इनकी जो है ना फॉलोअर्स कर रहे हैं, आगा खान साहब को ये पता होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से इनको तो कुछ नहीं पता ना। अब आप देखें कि इतने सारे सिस्टम कैसे उनको पता होंगे कि अक्का के गिनान कैसे बोलते हैं, कभी गिनान को बोलते हुए नहीं सुना है ना। तो देखिए हर किसी ने अपने ख्वाहिशात पे अपना दीन बनाया हुआ है, बॉम्बे में अलग, अफगानिस्तान में अलग, ताजिकिस्तान में अलग। अब देखें ये जैसा कुरान में एक एग्जांपल दी जाती है ना कि एक सामरी था जिसने एक बुत बना दिया था, वो गाय का बुत बना दिया था, वो गाय में से आवाजें आती थी। तो समझे इनके आगा खान साहब उसी काओ की तरह है कि वो हंसते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता। ये जो मिशनरीज है सामरी का काम कर रहे हैं है ना, ये मिशनरीज और ये सारे अपने तरीकों में सामरी का काम कर रहे हैं, ये दीन खुद बना रहे हैं। ये कहते हैं कि आगा खान को तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन तब्दीली ये खुद कर रहे हैं। आगा खान तब्दीली नहीं कर रहे, आगा खान को तो बोलो भाई नमाज ला दो, वो बोलेंगे अच्छा ले आओ, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है, नमाज ले आओ तुम लोग। सही ना, आगा खान साहब को सिर्फ पैसों से मतलब है, तो वो सिर्फ हंसते रहता है। असल में सारी तब्दीली मिशनरीज कर रहे हैं, अपने ख्वाहिशात पे कर रहे हैं। अब जो आपने वीडियो चला, ये सिंगापुर के दीदार की वीडियो है, सही ना, यहाँ पे सब अपनी मर्जी से फ्रूट्स वगैरह ला रहे हैं। तो आप समझे कि जिस तरह से वो कौम नाचने लग गई थी ना उस बुत के आगे, तो ये हर कोई अपने एरिया में इसी तरह कर करा के अपनी ख्वाहिशात पे दीन बना के और उस बुत के आगे नाचने लगे हैं लोग। तो समझे इनके मिशनरी सामरी है और ये वो पूरी कौम है जो नाच रही है। और कुरान में ना कि इनकी नमाज क्या है, तालियां और सीटियां बजाना। कुरान में अल्फाज आए ना कि इनकी नमाज क्या है, तालियां और सीटियां बजाना, तालियां और सीटियां सीटियां बजाना। तो ये वही चीज है जो हम देखिए, जो कुरान में लिखा हुआ है वो आज भी हो रहा है, अगर गौर करें तो आज भी हो रहा है। आप ये नांदी का कहती है, जो नांदी के लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है जिसमें पैसे की ताकत है वो ले लेता है ना। अब आप देखिए कुरान में लिखा है कि वो लोग तीरों से वो गोश्त पे लोग तीर चलाते थे, जिसमें तीर की ज्यादा ताकत होती थी वो गोश्त ले लेता था। ऐसा है ना कि तुम तीर पास से मत चलाओ। तो शैतान ने वही चीज जो है ना डिफरेंशिएट करके आज ऐसी ले आई कि तुम लोग खानों पे बोली लगाओ, कि उस टाइम पे जिसको तीर अच्छा चलाने आता था वो ले जाता था वो टुकड़ा, आज जिसके पास पैसों की ताकत है वो खाना ले जाता है, वो उठा के ले जाता है, वो उठा के। तो देखे तो कुरान की जो भी चीज है ना वो आज ये शैतान ने डिफरेंट करके इनके मजहब में ले आई है। अब चिराग रोशन की रस्म आगे जो आप दिखा रहे थे, चिराग रोशन की रस्म की जो ये आंख के आगे लोग कुछ कर रहे हैं, ये हमारे भी जब हम छोटे थे ना तो ये नए नई जमात खाने में आई थी चिराग रोशन की रस्म। तो हमको भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग जब 9th-10th क्लास में चले गए थे तो ये उस टाइम पे नई नई आई थी चिराग रोशन की रस्म। तो ये अभी चित्राल में होती है, लेकिन अमेरिका में नहीं होती। तो आप देखें ये सब चीजें बना रहे हैं खुद ये लोग और कहते हैं कि आगा खान को तब्दीली की इजाजत है। सही ना, अब आप देखिए हमारी बात इनसे यही आके रुक जाती है कि ये कहते हैं आगा खान को तब्दीली की इजाजत है, आगा खान को तब्दीली की इजाजत है, लेकिन आगा खान तब्दीली कर ही नहीं रहा। सोचने वाली बात है, तब्दीली खुद कर रहे हैं, इनकी मिशनरीज हैं वो कर रहे हैं तब्दीली, और आवाम तो खाली चुपचाप बैठ के वो नाच रही है जिस तरह से वो सामरी की कौम नाच रही थी। तो इनको सोचने की जरूरत है इन चीजों पर।
बिल्कुल सही कमर भाई, आपने बहुत ही अच्छा। यहाँ मैं इजाजत हो तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा जरूर। भाई के उस पे, कि जैसे भी भाई ने कहा कि हर जगह एक अलग मतलब रिचुअल्स फॉलो करते हैं ये आखानी, तो ये मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ ये टोटल एक मार्केटिंग जैसे स्ट्रेटेजी होती है कि कहाँ पर क्या चीज बिकेगी, ठीक है ना। तो ये वही चीज है, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जैसे लोग हैं वहाँ पे उस हिसाब से उनकी रसूमात है जो उनको अट्रैक्ट करें और वहाँ से जो है कुछ गेन कर सके हम इन द शेप ऑफ मनी। दूसरा ये कि मैं तमाम जितने भी इस्माइली आगा खानीज हैं उनसे मेरा एक सवाल है कि वो ये कि मैं एक लेक्चर सुन रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक का, जिसपे उसने ये बहुत अच्छी बात कही कि नेवर से खुदा, ठीक है, बिकॉज खुदा का जो है प्लूरल मौजूद है जो कि खुदावंद बनता है, जबकि खुदा जो है वाहिद है, ला शरीक है, ठीक है। तो ऑलवेज से अल्लाह, अल्लाह। ठीक। तो इसी बात को कोट करते हुए मैं एक सवाल यहाँ रखूँगा कि आपका जो इमाम है, जबकि वो खुद भी कह चुका है अपने एक इंटरव्यू में कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे बाद जो इमामत करेगा उसका मुझे ही पता है और वो मेरे मरने के बाद खुद ही जाहिर हो जाएगा। तो जबकि आप लोग इस इमाम को खुदा, खुदा का नूर, ठीक है, ये मानते हो, तो क्या इसके मरने के बाद जो दूसरा आएगा आप अपना खुदा चेंज कर लोगे? वो क्या अपना खुदा चेंज दो कर। खुदा हो जाएंगे आपके? इसका जवाब अगर कोई इस्माइली भाई दे सके तो। बहुत अच्छा सवाल, ये लोग कहते हैं कि बहुत। हम दो इमाम के, जो जो मर जाता है नहीं आते ना, कहते हैं हम दो, हम तो फखर से कहते हैं हम दो इमाम के पैरोकार हैं। ये लोग फिर इसमें फखर करते हैं कि हम दो इमाम के पैरोकार थे, लेकिन सोचने की बात है कि जो अगला इमाम आएगा उसको भी कुछ नहीं पता होगा रिचुअल्स के बारे में ना, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है कुछ सीखा हुआ थोड़ी है। वो आएगा तो वो भी इसी तरह से हंसता रहेगा, आके हर जगह बोलेगा जो तुमको करना है करो, और ये मिशनरीज जो अपने दीन चलाते रहेंगे और वो हंसता रहेगा खाली। तो अगले इमाम को आपको क्या लगता है क्या पता होगा उसको? ठीक है, 49 खुदा अब तक हो चुके हैं और मजीद अल्लाह जाने कितने और बनाए जाएंगे और कितने और के नाम ऐड किए जाएंगे और किन 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 को पुकार के जो है वो इसी चीजों पर पैसे बटोरे जाएंगे। जहरा मेरी बहन बैठी है, मैं जहरा से गुजारिश करूंगी कि कैनेडियन जमात का जो है वो थोड़ा सा अहवाल हमें दे दें और फिर उसके बाद हम मजीद चलते हैं। जहरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हाट इज द सिचुएशन इन कनाडा? It's, I think it's the worst. It's far worse than what it is in the East and the subcontinent. Here, they've actually made a mess of the whole. There is no Islamic culture, so to speak, at all in the Jamaat Khanis at all. There is there they mingle like they're just in a concert. The kind of clothing they wear is appall. You can watch them and you feel ashamed to know that you're actually in a Jamaat Khana. It doesn't feel like you're in a prayer hall. It feels like you're somewhere in a pub or In a somewhere. concert hall. Yeah, exactly. The way they dress. The sad part is, Alina, at least in you know, in Pakistan and in India and all these places, they at least get the Arabic, the way they recite the du'as and all that, they get that right. Here, you don't even feel like you're listening to some Arabic context. You feel like, you know, they've completely Englicized everything. The rituals are completely different. There's no base. People just come to Jamaat Khane just to enjoy it, like a brother Danish said. They're there to enjoy, to have fun, to socialize. It's a place where they meet guys, talk, a dating place, so to speak. I'm sorry to say all this, but these are basic facts. Nandis, you know, I watched this in front of me. My uncle wanted to get Nandi, and he could not. When he raised his hand for for something that he liked, he never was able to get it because there were people out there. They just never stop bidding. The person who has the most money stands there and bids and bids and makes sure he gets what he wants and he goes home with it. So what is the concept of the poor coming to Jamaat Khane and getting Nandi? No poor. This is not a place for poor. This is a place for rich. The more money you have, the higher your spiritual status becomes.
And that's exactly how it is. That's my, you know, that's my take. And this is what I have witnessed. But sir, when they are praying to Allah, like they are saying, when we recite the dua, it is our namaz. So while they are praying their Ismaili dua, are they covering their heads or they are covering their bodies? Alina, when I say sister, they come to Jamaat Khane in the kind of clothes that you would go in a bar to, and that it actually means that they have no scarf. They are dressed in mini dresses. They don't cover their heads. They barely are able to sit on the ground and cover their feet. That's the state of they wear clothes that are even almost the mukhyanis and mukhyani ma, those come. No, they all are dressing. The mukhyani ma's will not be so, like, they are not dressed as badly as the rest of the jamaat, but they don't cover their heads. Some of them wear dresses, some of them wear shalwar kurtas, but they don't cover their heads. You know, and I just want to give you a small incident where my cousin got married a few months ago, and we went to the Jamaat Khane to witness the ceremony. And you know, when all these Ismailis come up to us and say that they don't pray to Aga Khan, that is an absolute lie, because in front of me, the Kamra and the Mukhi gave the dua, and the Mukhi said that, you know, Noor Maulana Shah Qaimuddin Hasri Imam, the Lord of the time. Now, when you use Imam is Zaman. Yeah, exactly. Lord. So the word Lord is, that's something that you would say to Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, it is one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. It's one of the name of Allah subhanahu wa ta'ala is Hakim. Yes. He is the Hakim, ultimate Hakim. Exactly. And they are non-Ismailis, because they had this in the social hall. So there were non-Ismailis who came there who were witnessing this the marriage ceremony, the nikah, so to speak. I call it a marriage ceremony because there's nothing of Islamic in there. And she came and gave a lecture. The girl came up on the podium and gave a lecture on Ismailis and Aga Khan being the 49th Imam. So just to propagate Ismailism to the non-Muslims. But then they say the Aga Khan is our Imam, the 49th Imam, the Lord of our times. So when you're using those kind of terms, how can you then stand up and say that he's not our Lord? You know what I mean, Alina? बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया. दो घंटे हमारे लाइव स्ट्रीम से जमात खाने में जा रहा. बहुत आपका शुक्रिया. और वेस्टर्न जमात खानों की भी हमारे पास इनपुट आ गई, हमारे पास हुंजा की भी आ गई, हमारे पास इंडिया से भी आ गई. एक इमाम और बहुत सारे तरीके. एक इमाम, अलग अलग लिबास. एक इमाम, अलग अलग तरीके की जो है वो रिचुअल्स. ऐसा क्यों है कि एक इमाम जिंदा होते हुए भी अपनी जमात को एक तरीके पर मुत्तहद नहीं कर सकता? हर किसी को अपने मनमानी तरीके से इबादत करने का उसने तरीका किया. हम जब मुसलमान अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत करते हैं तो हम अल्लाह सुब्हान तआला के सामने नंगे सर खड़े इबादत नहीं करते. इवन जिक्र का भी इजाज़त है कि आप जिक्र भी जब करते हैं तो अपने सर को आप नहीं बिठा के, तो तब भी जिक्र हो जाता है. लेकिन हम औरतें जिक्र करते वक्त भी अपने सरों पर दुपट्टा पहन लेते हैं. रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये कि हम अपने अल्लाह सुब्हान तआला की एहतराम करते हैं, उनके नाम का एहतराम करते हैं, उनका जिक्र का एहतराम करते हैं. जैसा खुदा है वैसा ही उसका एहतराम करते हैं. लेकिन आका खानी मिनी स्कर्ट्स हों, स्लीवलेस ब्लाउज हों, या जिस तरह के भी वो कपड़े, वो उसी तरीके से अपने इमाम की इबादत करते हैं. और फिर आखिर में मैं यही कहूँगी कि जिस तरह का इनका खुदा है उसी तरह की इनकी इबादत है, जिस तरह का इनका खुदा है उसी तरह के इनके रिचुअल्स हैं, और कोई भी चीज़ इस्लामी नहीं. हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमको भी हिदायत पर कायम रखे, और आगा खानी जमात जिसका हिस्सा हम रह चुके हैं और आज भी हमारी कम्युनिटी का ही हिस्सा है, बस हमारे भाई हैं जो कि अभी दीन इस्लाम पर नहीं पहुंचे, हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमारे तमाम घर वालों को जो अभी भी इस्लाम से करीब नहीं है, इस्लाम पर नहीं है, उनको अल्लाह सुब्हान तआला जो है वो हिदायत पर ले आए. हमारे भी ईमान जो है वो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक कायम रहें. हम इसी तरह दीन का काम करते रहें, बाकी लोगों को अवेयरनेस देते रहें. हमारे इस दावत के काम में हमारी सपोर्ट आप इस तरह कर सकते हैं कि
हमारे ये प्रोग्राम्स आगे शेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही दुख भरी बात यह है कि हमारा एक पेज जो है वो पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है, और उसका रीज़न भी आप लोग जानते हैं कि पैसा जो है वो तमाम चीज़ों को खरीद लेता है। आज के दौर में दज्जाल का आखिरी फितना यही है कि वो अपने पैसे के बलबूते पर अपनी खुदाई मनवाएगा, और जो उसके ताबे हो रहा है वो हमारा साथ छोड़ रहा है, और हम हक पर हैं। और यही इस बात की दलील है कि आज हमें ब्लॉक किया जा रहा है हमारी आवाज़ को रुकाने के लिए, लेकिन किसी एक भी आगा खानी में हिम्मत नहीं है कि वो आके हमारी बातों का जवाब दे सके। ना इनके इमाम में हिम्मत है, ना इनके इतरप ऑफिशियल्स जो यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा बहस कर रहे हैं, एक दफ़ा भी उन्होंने माइक ऑन करके हमसे बात नहीं की। तो यहीं पर साबित हो गया कि हक जो है वो हम बयान करते हैं और उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्लाह का ये चराग कभी बुझेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह का इस्लाम वो नूर है जो ता कयामत कायम रहेगा। हम रहे ना रहे, अल्लाह का नूर रहेगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मेहनतों का। अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया में और आखरत में आपको बेहतरीन अजर से नवाजे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम।